जी, व्हाट वाज लास्ट थिंग दैट वी डिड? कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा, हाँ जी, लास्ट लेक्चर की लास्ट चीज। अच्छा, आफ्टर लॉन्ग टाइम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, वी डिड कॉम्प्रिहेंशन। लाइकवाइज लाइकवाइज। अच्छा, आपके बैच के साथ नहीं थे मेरे क्लासेस। आई थॉट अभी पिछले कुछ दिनों जो हमने स्टार्ट किया है, मुझे किसी को भी याद नहीं रहता। देयर आर सो मेनी बैचेस, यू नो, इंटरकनेक्टेड। उस दिन एक बैच था जो बड़ा तंग करते थे, बहुत ही ज्यादा ना, बात आगे करने ही नहीं देते थे। तो मैं आने से पहले मैंने कहा प्लीज इनके चैट जो है ना ऑलरेडी ऑफ कर लें। दे ग्लैडली डिड दैट। व्हाट हैपेंड वाज दैट आई स्टार्टेड टीचिंग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, वो भी मिड से। हमारा वो बैच आधे तक पहुंचा हुआ था। व्हेन आई वाज डन विद यू नो गुड 10-15 मिनट्स, मुझे मैसेज फोन वो टिंग टिंग अजीब सी बहुत ही ज्यादा होना शुरू हो गई। तो आई अंडरस्टूड कुछ मैं गलत कर रही हूँ। मैंने फोन उठाया तो बोले, आए हुए थे मैडम, आप गलत पढ़ा रही हैं, हमने अभी आपके साथ सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा, प्रेस ही खत्म हुआ है, आप पता नहीं क्या क्या सीखा पढ़ा रही हैं। दैट वॉज लाइक 7th or 8th लेक्चर ऑफ माइन, और उनके साथ एक ही हुआ था। एंड आई स्टार्टेड डायरेक्ट इन डायरेक्ट। तो जी ये बात है। फिर आज हम करते हैं जी, तो वी हैव डन प्रेसी एंड वी हैव डन कॉम्प्रिहेंशन। एनीथिंग एल्स? वी आर डन विद द एनालॉजीज और नॉट? लेट्स स्टार्ट द ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स व्हिच इज एनालॉजीज टू डू। ठीक है, ओके जी, एनालॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों की चैट बंद नहीं करा रही हूँ, बट यू विल ओनली आंसर व्हेन आई क्वेश्चन। ठीक है, बीच में टेम्पो ब्रेक नहीं करना है। प्रोबेबली द क्वेश्चन दैट यू आर अबाउट टू आस्क इज गोइंग टू बी आंसर्ड सूनर और लेटर इन द लेक्चर। ठीक है जी, यू विल हैव टू वेट फॉर द लेक्चर टू एंड टू सी इफ योर क्वेश्चन हैज बाय देन बीन आंसर्ड और नॉट। ठीक है जी, 100% आपके मार्क्स आते हैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स के अंदर, दुआ करें कि आए। इट्स ईजी। उसके बाद ये होता है कि यूजली ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, इसके अंदर आपका रिलेशनशिप आपने डेवलप करना होता है। ये दिया किस तरह जाता है, लेट लेट मी शेयर द स्क्रीन, और उसके बाद जो है ना, वाह, इस पे वाइट बोर्ड आता है, और चलें आई गो विद द वाइट बोर्ड, वरना एट टाइम्स देयर इज दिस शेयरिंग ऑफ whole screen, you know, that becomes easy. I don't know if this one is this one. अच्छा जी, अब आपका रिलेशनशिप डेवलप करना होता है, और वो इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है कि सेनेटर एंड सेनेट, ये आपका क्वेश्चन हो। अब इसके नीचे लिखा होगा स्टूडेंट टीचर फादर सन डॉक्टर हॉस्पिटल, और उसके बाद होगा मदर डॉटर। जी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डॉक्टर एंड हॉस्पिटल, क्योंकि सेनेटर एक नौकरी है, और वो नौकरी कहाँ होती है? सेनेट के अंदर। इन सारी ऑप्शंस में स्टूडेंट एक नौकरी नहीं है, और वो टीचर के अंदर तो बिल्कुल नहीं करता। फादर की एक नौकरी नहीं है, और सन के ऊपर वो नहीं करता। डॉक्टर होना एक नौकरी है, और हॉस्पिटल के अंदर वो करता है, यस। मदर और डॉक्टर का अगेन द रिलेशनशिप इज नॉट लाइक द क्वेश्चन। दिस ये जो शक्ल है ना, आपको इसकी आएगी एग्जैक्टली जो आपका क्वेश्चन होगा वो इस तरह का दिखेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी कि रिलेशनशिप्स किस किस तरह के आएंगे। मैं आपको एक सीरीज लिखवाऊंगी रिलेशनशिप्स की, वो ही उन्हीं में से कोई ना कोई रिलेशन एनालिसिस का आपका पेपर में आएगा। अच्छा, सेनेटर्स इन द सेनेट, उसके बाद क्या है? सेनेटर्स का रिलेशनशिप लेजिस्लेशन के साथ क्या है? They
डू द लेजिस्लेशन, ठीक है, काम उनका लेजिस्लेशन करना है. इसी तरह डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल एक रिलेशन हो गया, वैसे रैंडम हम लिख रहे हैं, ये कोई कनेक्टिविटी भी नहीं. डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स एंड डू क्या करते हैं, डॉक्टर्स डू द ट्रीटमेंट्स, राइट. अच्छा, अब हम जो है ना इसका तरीका सिर्फ मेन समझने का, पहले जब मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे. वंस वी बी डन विद आवर एग्जांपल्स, वी मूव ऑन टू द लिस्ट के कौन कौन सा रिलेशनशिप सी एस एस वन. पहली एग्जांपल आती है फ्रेस्को एंड वॉल. इसका क्या रिलेशनशिप है जी, एनीबॉडी, व्हाट इज अ फ्रेस्को, मिठाई की दुकान के अलावा व्हाट इज द अदर फ्रेस्को. आर्टिस्ट्री, यस, वॉल के ऊपर पेंट किया जाता है, इट्स कॉल्ड फ्रेस्को. तो वॉल क्या है, वॉल के ऊपर फ्रेस्को होता है, फ्रेस्को इज ऑन अ वॉल, ठीक है जी. एक और रिलेशनशिप कर लेते हैं, इसी तरह सीलिंग्स के ऊपर भी जो होता है, लेकिन वॉल्स पे बेसिकली. फिर एक और रिलेशन है जी, स्टैमर एंड टॉक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीस टू. Basically the ways. अब talk आप normally करते हैं, talk आप stammer करके करें, eloquently करें, fluently करें, या आप shout करके करें, या आप whisper करके करें, तो talking is the main thing and how one is talking, वो तरीका is stammer. ठीक हो गया, good, you got it. अब हम करते हैं जी question and answers begin. The first example would be tile and mosaic. Iska relationship kya hai? What is mosaic? Mosaic hota hai ek design jo ki choti choti cheezon se milke ek pattern banta hai. Aap ने वो वीडियोस देखी होंगी फेसबुक के ऊपर, ऐसे आर्टिस्ट जो कॉफी के कप्स रख रहे हैं, रख रहे हैं, रख रहे हैं, रख रहे हैं, एंड में एरियल व्यू दिखाते हैं, देयर इज अ बिग पिक्चर. तो छोटी छोटी टाइल्स को जोड़ 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 के जब ऊपर से एरियल व्यू आप देखोगे तो एक डिजाइन बना, दैट्स अ मोज़ेक, ठीक है जी. तो ये रिलेशनशिप हो गया टाइल और मोज़ेक का. अब आपको जो मैं नीचे चार ऑप्शंस दूंगी, आपने मेक श्योर करना है टाइल इज अ स्मॉलर पार्ट और मोज़ेक इज द बिगर पिक्चर. यही बात है ना, मोज़ेक के अंदर एक टाइल है और बहुत सारी टाइल्स मिलके मोज़ेक बना, यही बात है, ये छोटी चीज है ये बड़ी चीज. अब जो आपको मैं ऑप्शंस दूंगी, मेक श्योर के उसमें भी अगर ये ए है और ये बी है तो मेक श्योर के आपका अच्छा जी, तो आपका ए और बी जो है वो नीचे सीक्वेंस जो होगा उसका भी ए और बी इसी जैसा होना चाहिए. अगर वो रिवर्स है, मतलब बी ऑप्शन ज्यादा चीज ए इधर आई हुई है और कम चीज बी में दी हुई, वो ऑप्शन इनकरेक्ट होगी फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक हो गया, आई होप ये बात आपको समझ आई. लेट्स डू द एग्जांपल. द फर्स्ट वन इज हुप एंड एम्ब्रॉयडरी. फिर मैं मीनिंग्स भी समझाती हूँ. नंबर टू, wick and candle. 3, easel and painting. 4, knot and macrame. जी, हुप होता है जो कि पुराने जमाने की इंग्लिश मूवीज के अंदर आप देखते होंगे कि वो लड़कियां बैठी हुई हैं, वो रिंग सा होता था, एक फ्रेम होता था, उसके अंदर कपड़ा लगा के ऊपर सी रही होती थी, डिजाइन बना रही होती थी, दैट इज अ हुक. और एम्ब्रॉयडरी आपको पता है एम्ब्रॉयडरी. विक है जी धागा जो कैंडल के अंदर होता है, एंड कैंडल इटसेल्फ. ईजल होता है लकड़ी का फ्रेम जिसके ऊपर आप अपना कैनवस रखते हैं.
पेंटिंग जो आप कंप्लीट पेंटिंग बना लेते हैं, नॉट होती है गिरा, और मैक्रमे होता है बहुत सारी ग्रेन लगा के आप एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, जैसे आप फ्रेंडशिप बैंड भी बचपन में बनाते थे, वो वाली चीज। डी इज द राइट ऑप्शन एग्जैक्टली, क्योंकि टाइल इज वन एंड मेनी टाइल्स मेक अ मोज़ेक, नॉट इज वन एंड मेनी नॉट्स मेक अ मैक्रमे। ये इस तरह आपने रिलेशनशिप निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डिफरेंट टैक्टिक्स हैं जी इनको रिजॉल्व करने के बेसिकली, लेकिन इजियर और इजीएस्ट जो कि मेरा प्रोसेस है, जो मुझे लगता है कि जिससे आपका गलत होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं, वो ये है कि यू रीड द टू वर्ड्स, देन चॉक आउट देयर रिलेशन। रिलेशन आपने निकाल लिया। मेक अ सेंटेंस, सिंपल वन, जिसके अंदर रिलेशनशिप पता चल रहा हो। ऐसा जुमला बनाना है सिंपल सा, जो आपने रिलेशनशिप आपके जहन में आया ना कि इसका ये है, उसी रिलेशनशिप को सेंटेंस बनाओ। देन अप्लाई द सेंटेंस ऑन ऑल द ऑप्शन। उसके बाद आपका जो आंसर होगा आपके सामने, इसको प्रैक्टिस करते हैं। Deluge and droplet. Deluge होता है जी overflowing of water, ढेर सारा flood होना, इकट्ठा होना, पानी, it's called deluge. और droplet क्या है? एक कतरा पानी। Make a sentence, एक ऐसा sentence बनाएं जिसमें ये word पहले आए, ये word बाद में आए, ये one ही रहे, ये two हो जाए, और सेंटेंस में भी ऐसे ही आए कि वन पहले आए और टू बाद में। प्लीज मेक अ सेंटेंस, बाय देन आई विल राइट द ऑप्शंस। नहीं, इजी सा जुमला भाई, इजी सा। डिलूज और ड्रॉपलेट का क्या ताल्लुक है? ये सिंगुलर है, वो बहुत सारे मिलके बनाते हैं डिलूज। डिलूज इज मेड अप ऑफ ड्रॉपलेट्स। एक्सीलेंट शॉट, ठीक है। डिलूज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ड्रॉपलेट्स। अ डिलूज कंसिस्ट्स ऑफ मेनी ड्रॉपलेट्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ड्रॉपलेट्स। एक्सेलेंट, ठीक है जी। यही जुमला मुझे चाहिए। इनका रिलेशनशिप क्या है उसको सेंटेंस बना दे, लेकिन उस जुमले में डिलूज पहले आना चाहिए, ड्रॉपलेट बाद। ऑप्शंस आर बीच एंड वेव्स, डेजर्ट एंड ओएसिस, लिजर्ड एंड आइसिकल, लैंड स्लाइड एंड पेबल्स, क्लाउड बर्स्ट, एंड पडल। चलें जी, अब मीनिंग्स देखते हैं, ठीक है। वेरी गुड। बीच क्या है जी? बीच है, वेव्स क्या है? पानी की वेव्स है। डेजर्ट क्या है? सहरा। प्लीज जो आप खाने के बाद मीठा खाते हैं, कभी उसको डेजर्ट नहीं कहना, उसमें डबल एस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द डेजर्ट। जो सहरा होता है वो डेजर्ट होता है, और जो डबल एस के साथ मीठा खाते हैं, इट्स कॉल्ड अ डेजर्ट, ठीक है जी। अच्छा, ओएसिस क्या है? ग्रीन एरिया, ग्रीनरी। देन ब्लिजर्ड होता है जो आपका स्नो स्टॉर्म आता है, तूफान जिसमें बर्फ होती है बहुत सारी। आइसिकल क्या होता है? बर्फ का ऐसे वी शेप, जमी हुई बर्फ जिसे कहते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइडिंग क्या होती है? आपको पता है अक्सर पाकिस्तान में हम सुनते रहते हैं लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ के ऊपर से कुछ टूट के। पेबल्स छोटे छोटे पत्थर। क्लाउड बर्स्ट, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो क्या होता है, उसमें से क्या निकलती है? रेन। एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट इज रेनफॉल, रेन। एंड पडल क्या है? कीचड़। अब आपका जो जो अपना अपना आपने सेंटेंस बनाया, मोहम्मद शाहरुख खान ने बनाया डिलूज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ड्रॉपलेट्स, अप्लाई इट टू ऑल द ऑप्शंस। बीच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वेव्स, नो, बीच तो सैंड का बनता है और चीजों का बनता है। डेजर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ओएसिस या मेड अप ऑफ, कर लेते हैं। ब्लिजर्ड इज मेड अप ऑफ आइसिक,
Landslide is made up of pebbles. Cloudburst is made up of puddles. How many of you think one is correct? We have to yes. No. Two. Three. अपने अपने पे बस थ्री अपना अपना ऑप्शन फोर फाइव क्लाउड बर्स्ट वाले कौन कह रहे हैं गुड शाजे मोमना वेरी गुड और फाइव की साइड पे और कोई नहीं बस दो बच्चे हैं अब मेरी बात सुनिए डेलूज इज मेड अप ऑफ मेनी ड्रॉपलेट्स इस तरह का बीच और डेजर्ट वाली ऑप्शन ही बिल्कुल ही मिस है ये तो हो ही नहीं सकती ना डेजर्ट ग्रीन एरियाज का नहीं हो सकता बीच वेव्स का नहीं बना हो सकता ब्लिजर्ड इज मेड अप ऑफ मेनी आइसिकल्स जो ब्लिजर्ड होता है ये स्नो स्टॉर्म होता है स्नो एंड आइस आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर ब्लिजर्ड के अंदर आइसिकल्स नहीं उड़ रहे होते ठीक है ना ब्लिजर्ड के अंदर स्नो होती है लेकिन वो बड़ी स्पीड में हवा के साथ आती है और स्नो जो हल्की फुल्की उसको क्या कहते हैं उसके लिए कोई टर्म यूज करते हैं जो आपकी हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही होती है देयर इज अ वर्ड फॉर दैट आई एम सॉरी आई फॉरगॉट और जो तेजी से आती है जो कि तूफान होता है बर्फ का हाँ ड्रिजलिंग बर्फ पानी को कहते हैं स्नो उसको रेनफॉल की हल्की फुल्की को ड्रिजलिंग कहते हैं उसके लिए देयर इज अनदर वर्ड अच्छा तो आपके ब्लिजर्ड के अंदर जिस तरह स्नो होती है आइसिकल्स इज समथिंग एल्स आइसिकल पानी जमा हुआ जो बर्फ होता है ना जमा हुआ ये वो है दीज आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ब्लिजर्ड इज नॉट मेड अप ऑफ आइसिकल्स सो द ऑप्शन इज रॉन्ग लैंडस्लाइड इज मेड अप ऑफ पेबल्स पहाड़ के ऊपर क्या होते हैं पहाड़ पे पत्थर होते हैं नाउ द पहाड़ इज ब्रेकिंग ऊपर से टूट के गिरा है तो वो आपने साइन देखा होगा गाड़ी जा रही होगी कि यहां से खतरा है तो वो यूं पत्थर गिरते हुए दिखाते हैं जाहिर है एक बड़ा पत्थर किस पे टूटेगा छोटे पत्थरों में A landslide, जो बड़ी चीज है इज मेड अप ऑफ मेनी पेबल्स साउंड्स करेक्ट सॉइल भी होती है लेकिन मेनली इट्स रॉक्स इट्स पेबल्स एंड रॉक्स पत्थर होते हैं क्लाउड बर्स्ट वाली क्यों नहीं है भाई ऑप्शन हाँ हाँ रेन वाली ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है एनीबॉडी टीचर नहीं बनता उसके बाद क्यों नहीं बनता एग्जैक्टली द सीक्वेंस इज ऑपोजिट हैड इट बीन पडल एंड क्लाउड बर्स्ट दैट मैनी ये आपका ये बनता है बल्कि मैंने शायद हाँ हमारा जुमला क्या था अ डिलूज इज मेड अप ऑफ ड्रॉपलेट्स अ क्लाउड बर्स्ट इज मेड अप ऑफ पडल्स मतलब बारिश कीचड़ से बनी हुई है No. बारिश से कीचड़ बना हो सकता है अगर ये ऑपोजिट होता तो फिर चांसेस थे कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकती लेकिन सीक्वेंस उल्टा हुआ ठीक है ना क्योंकि क्लाउड बर्स्ट इज नॉट मेड अप ऑफ अ पडल एट ऑल ये हो गई जी हमारी अगली एग्जांपल नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन इट्स मोर लाइक अ गेम आप लोग बचपन में ऐसे इंग्लिश की गेम्स खेलते होंगे तो ये गेम गेम टाइप है मुझे तो पर्सनली ये करने में मजा आता था अपने टाइम अच्छा नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फिलैटलिस्ट मीनिंग नहीं आता होगा तो मैं आपको अभी हम एग्जांपल्स कर लेना तो भी हम एक सीएसएस करना पास्ट पेपर भी करने वाले सो डोंट वरी ये ऐसे हुआ कि 2016 में ना 2016 में इन्होंने पहली दफा किया जी अपना ये क्या कहते हैं इंसान से मोहब्बत करने वाला नहीं वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं ये फिलैटलिस्ट है सब निकल अच्छा जी मुझे मैं यही सोचा आप क्या कहना क्या चाह रहे हो आप इससे रिलेट कर 2016 में क्या होता है कि इन्होंने पहली पहली दफा सिलेबस चेंज किया इन्होंने बड़ी खुशी से एनालॉजीज ऐड की और
जबरदस्त किस्म की मुश्किल तीन एनालिजीज दे दी, फिर अपनी रिकमेंडेशन में खुद ही लिखा कि जी लेवल ऑफ, वरना एफपीएससी यूजली अपनी गलती कभी नहीं मानता, ठीक है ना, स्टूडेंट्स की कोई ना कोई नलायकी ढूंढते हैं, क्यों के स्टूडेंट्स को ये नहीं आता था। उस पर उन्होंने पहली दफा लिखा जी कि ये हमारे जो क्वेश्चन था दैट वॉज प्रॉबली नॉट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, उस लेवल, क्योंकि बीए पास करके आप एलिजिबल होते हैं। एक बीए का छोटा सा 21-22 साल का बच्चा होगा, उसकी क्या वोकैबुलरी उस एज में बिल्ड हुई होगी। अब मैं 30 years की हूँ, मैंने जीआरई याद किए क्योंकि जिंदगी के उतने साल भी गुजार लिए ना। तो ये होता है कि उन्होंने फिर कहा जी ये बड़ा मुश्किल हमने दे दिया था और सीएसएस के लेवल से थोड़ा सा बच्चों के लेवल से ऊपर हो गया। फिर हमारे 2017 में क्या होता है, जब हम इंशाल्लाह ये भी लेक्चर हमारा खत्म होगा, वी प्रैक्टिस वन गुड पेपर 2017 वाला इन द क्लास। फिर इन्हें समझ आई कि नहीं जी 11th क्लास में ये था, हमने ये सवाल ऐसे पूछने थे। तो फिर आपको समझ आएगा कि सीएसएस में एक्चुअली इस इतना सिंपल लेवल है ऑफ एनालॉजीज। तो क्लास में प्रैक्टिस में अभी तक नहीं आए फिर दोबारा, ठीक है, उधर भी लोगों ने यकीन करे उस पर भी डिसअपॉइंट किया होगा। आपको मैं 17 वाला भी बताऊंगी कि हमारे बैच में हम अक्सर बैठ के फिर आपस में डिस्कस करते थे तो हंसते होते थे कि किसने क्या क्या ब्लंडर किया हुआ। तो यूजली इसके अंदर बहुत ज्यादा थे लोगों के हुए थे। तो फिर एफपीएससी वालों ने मेरा खर कहा होगा कि यार ये काम ही खराब है, इसको बस रहने दे। लेकिन अभी एंड में आपको जब मैं 17 के कराऊंगी यू विल हैपली मार्क द राइट ऑप्शंस के ये 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 पता चल रहा होगा, ठीक हो गया। सो डोंट वरी अबाउट, क्लास की एग्जांपल मैं हमेशा मुश्किल कराऊंगी, पेपर आपका उससे ज्यादा ही इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, फिलैटलिस्ट क्या है भाई, कौन होता है? एक बंदा होता है जो क्या करता होता है, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। हाँ, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स करते हैं, ठीक है, आदि होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑप्शंस आर न्यूमरिस्ट एंड कॉइंस। आप डिक्शनरीज अपनी अपनी यूज कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर एंड प्रेडिक्शंस, अपना अपना सेंटेंस बना लें तब तक। जेनेटिस्ट एंड क्रोमोसोम्स, कार्टोग्राफर एंड मैप्स, पॉन ब्रोकर एंड ज्वेलरी, देयर शुड बी एन इन इट, एन इन व्हाट, देयर शुड नॉट बी एन इन फिलैटलिस्ट, रियली मुझे ये बताएं, सेंटेंस अपना अपना आपने बना लिया, ओके थैंक यू फॉर द करेक्शन। जी, व्हाट इज योर सेंटेंस, अ फिलैटलिस्ट कलेक्ट्स स्टैम्प्स, करेक्ट। नाउ रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड इनमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं आता। पॉन ब्रोकर, पॉन ब्रोकर वो बंदा होता है जो आपका सोना गिरवी रख लेता है, अपने पास रख लेता है और आपको कुछ टाइम के लिए पैसे उधार दे देता है, ठीक है, फिर जब आप उसके पैसे लौटाएंगे तो वो आपका गोल्ड आपको वापस कर देता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ पॉन ब्रोकर। ही प्रोबेबली डज कलेक्ट ज्वेलरी। कार्टोग्राफर एंड मैप्स, अच्छा, जेनेटिस्ट एंड क्रोमोसोम, बाकी वो पढ़ने के लिए जमा तो करता ही होगा क्रोमोसोम, इसमें क्या बात है, थ्री जेनेटिस्ट एंड क्रोमोसोम, राइट। बाकी क्या कह रहे हैं, ऑप्शन वन कह रहे हैं जी बिस्मा, ओके थ्री, आमिर और सईद साहब जो है वो फोर, कार्टोग्राफर एंड मैप नशा वन, बाकी सारे जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करे वो सारे भी अपनी अपनी ऑप्शंस बता दें। सो मोस्ट ऑफ यू डू थिंक दैट इट इज ऑप्शन थ्री एंड नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन वन। ओके जी, ये वन वाले इकट्ठे गए हैं, हमारा समीन थ्री, ठीक है जी। अब हम अपना जुमला अप्लाई करते हैं, पॉन ब्रोकर एंड ज्वेलरी, यस ही कलेक्ट्स ज्वेलरी टू। अब हमने देखना है हमारा सेंटेंस था जी, मैंने अपना सेंटेंस बनाया फिलैटलिस्ट कलेक्ट्स
स्टेप्स ठीक है जी। अब मैं इस सेंटेंस को सारों पे अप्लाई करने वाली हूँ। A numerist collects coins. Numerist वो बंदा है जो coins collection करता है। Yes or no? तो option yes. Yes. क्या कर रहे हैं? Numerist उस बंदे को, उस आदमी को कहते हैं who collects coins, जिसकी आदत होती है coins collect करना। I am one. I do that. ठीक है? A numerist collects coins. Next. An astrologer. तो अब ये हो गई जी, इस ऑप्शन पे मैं क्या लिखूं? सी के करेक्ट लगेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड प्रेडिक्शंस। एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शंस कलेक्ट करता है, ही गिव्स प्रेडिक्शंस। तो चलें जी, इस ऑप्शन को हम रॉन्ग कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिस्ट एंड क्रोमोसोम्स। जेनेटिस्ट क्रोमोसोम्स कलेक्ट करता है, करता तो है, स्टडी करता है ना, स्टडी करने के लिए कलेक्ट करता है कि नहीं करता? स्टडी करने के लिए बस के दबाए फेंक देता है स्टडी करके। तो दिस आल्सो साउंड्स समहाउ करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग, ही डज कलेक्ट देम। ठीक है जी। नेक्स्ट, कार्टोग्राफर एंड मैप्स। कार्टोग्राफर एक बंदा होता है जो मैप्स बनाता है। इतना जो मैं मेहनत कर रही हूँ, ऐसे ही क्यों ना कर लेंगे, रॉन्ग चीज को हटा ही दें। अच्छा, कार्टोग्राफर मैप्स ड्रॉ करता है। अब ड्रॉ करके क्या करता है? कलेक्ट करता है, फेंक देता है, कलेक्ट नहीं करता। नोबडी थिंक्स दैट कार्टोग्राफर एंड मैप्स इज द राइट ऑप्शन। चलो मान लेते हैं, मारिया ने, मारिया को लग रहा है कि कार्टोग्राफर वाली ऑप्शन ठीक है। कार्टोग्राफर ने मैप बनाया और बना के फेंका तो नहीं? ओके जोहा, देन द मैन हु कलेक्ट्स द कॉइंस इज हु? What do you call a man who collects the coins? I don't know if I open my Google Chrome. ये क्या है? Numismatist. ठीक है, हो सकता है दो words use होते हो। ये मैं आपको Google पे बताती हूँ, एक second. ये मेरा नजर आ रहा है? चलें, numismatist का मैं meaning Google से वैसे copy paste कर देती हूँ। I don't know why this happens. पहले मैं अपनी जो भी वो करती थी ना ओपन, या ठहरे एक और भी इजी ऑप्शन, वेयर इज माय फोन, गिव मी अ मिनट प्लीज। यार ये वैसे अजीब बात है,
अच्छा वैसे ये शीज राइट, ये किसी टाइम में ना, ट्रस्ट मी इट वाज न्यूमरस, इट्स नॉट शोइंग इन माय मेरियम वेबस्टर नाउ, बट आई बिन यू नो टीचिंग दिस जब कोविड नहीं था और हम लोग मतलब डायरेक्ट क्लासेस लेते थे, तो आई यूज टू शो देम इन माय फोन के ये लो जी इसका मतलब ये, लिटरली अभी इट्स नॉट देयर, आई डोंट नो फॉर सम रीजन दे रियली चेंज द वर्ल्ड, अभी ये वाकई न्यूमिस्मेटिस्ट कह रहे हैं उसको। ओके जी चलें इसको न्यू न्यूमिस्टमिस्टी कर लें जो भी है, इसमें उन्होंने कोई नया वर्ड लगाया, न्यूमिस्मेटिस्ट राइट, आई एम चेंजिंग द वर्ड हियर देन। ठीक है जी। अच्छा अब ये है कि जी कार्टोग्राफर भी मैप्स बना के जमा कर लेते हैं, मान लिया हमने, और पॉन ब्रोकर ज्वेलरी बेशक बेचता है करता है, लेकिन अपने पास जमा करता है कि नहीं करता। करता है ना, नहीं करता बिस्मा, वो उसके बदले पैसे दे देता है और अपने पास ज्वेलरी रख लेता है, तो ही टेक्स द ज्वेलरी एंड कीप्स इट विद हिमसेल्फ, दैट मीन्स ही कलेक्ट्स द ज्वेलरी। ठीक है जी, अब बात ये है कि व्हेन एवर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, व्हेन एवर मोर देन वन ऑप्शन साउंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दैट यू हैव फॉर्म्ड, इट मीन्स दैट द रिलेशनशिप डिफाइंड इज डेफिशिएंट। फिलैटलिस्ट एक बंदा हो गया जो कि स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा है, ये तो हो गई बात। अब आप क्यों कब और कैसे इसके अंदर ऐड कर लें इन तीनों में से कोई भी एक, स्पेशली क्यों ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपका रिलेशनशिप और डिफाइन हो जाएगा जी। एज अ हॉबी, अब मैंने रिलेशनशिप डिटेल्ड डिफाइन कर दिया शौक के लिए, तो पॉन ब्रोकर तो ज्वेलरी कलेक्ट कर रहा है शौक के लिए नहीं, इसकी तो नौकरी है, ये हो गया जी बाय बाय। जेनेटिस्ट क्रोमोसोम्स कलेक्ट कर रहा है शौक के लिए हॉबी के लिए, तो जी बाय बाय, ये तो स्टडी के लिए कर रहा है। कार्टोग्राफर मैप्स बना रहा है तो ये इसका नौकरी है, इसका काम है, इट्स नॉट हिज हॉबी। सो द ओनली हॉबी रिमेन्स इज न्यू मिस्टमिस्ट हाउएवर यू से इट एंड द कॉइन्स। ये वो बंदा है जिसको कॉइन कलेक्शन का शौक है और एज अ हॉबी वो कलेक्ट कर रहा है कॉइन्स। ठीक हो गया जी, वील डू वन मोर एग्जाम्पल एंड देन वील टेक अ नमाज ब्रेक। Whenever two or more options sound correct, please add a क्यों या कैसे, ये दो वर्ड आपने अपने जहन में एड करने हैं, क्यों कह दें और कैसे कर दें, आपका रिलेशनशिप फर्दर डिफाइन होगा। ठीक है जी, अब क्या है, एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि यही इसी तरह की मैं आपको दूंगी जिसमें आपको टू ऑप्शन करेक्ट लगेंगी, फिर आप अपना क्यों और कैसे करके उसको डिटेल कर बुके। What's a bouquet? Bouquet and flowers. Bunch of flowers made of fruit. ठीक है, अच्छा जी बुके आप सारों को पता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास, इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, फॉरेस्ट एंड ट्रीज, नेक्स्ट हस्क एंड कॉर्न। हस्क होता है जो कॉर्न के बाहर, वो ड्राई पार्ट होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट इज मिस्ट एंड रेन, नेक्स्ट इज वुड पाइल एंड लॉग्स, लास्ट वन इज ड्रिफ्ट एंड स्नो, बल्कि इसको दफा ही करते हैं, ये लास्ट ऑप्शन कैन गो फोर वो करें, इससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके साथ ये ऐड करें। अच्छा फोर इज द राइट ऑप्शन, व्हाई नॉट वन, बाकी दो। अच्छा बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स, अ फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ ट्रीज, हस्क इज मेड अप ऑफ कॉर्न, नो, मिस्ट इज मेड अप ऑफ रेन, नो, वुड पाइल इज मेड अप ऑफ लॉग्स। इसका मतलब दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो
हम कहीं ना कहीं जुमले को हमने मोर डिटेल या स्पेशलाइज नहीं किया है। बेशक हो, अपना सेंटेंस बताएं, नेचुरल और आर्टिफिशियल को छोड़ के अपना सेंटेंस बताएं। लॉग्स, वुड पाइल इज ऑल्सो नेचुरल, आपने दरख्त काटा है, फॉरेस्ट इज ऑल्सो नेचुरल, बुके इज ऑल्सो नेचुरल, ये सारी चीजें नेचुरल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। बंच आपस में जुड़ा हुआ है, बुके यू आर क्लोज, इट्स पाइल्ड अप। ठीक, पूरा सेंटेंस बताए ना, बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स, कैसे या क्यों, अरेंज, आगे, गैदर्ड फ्रॉम सोर्स, मेड अप फ्रॉम डेड और प्लक्ड, एग्जैक्टली, वुड्स आर पाइल्ड अप इन अ वुड पाइल, एग्जैक्टली। ठीक है जी, अब बुके और फ्लावर्स को अब मैं क्यों और कैसे करने वाली हूं, तो बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स, आगे से मैं इसको कैसे या क्यों करूं, तो मैं कह देती हूँ विच आर कट एंड गैदर्ड, यही है ना, फूल काट के मैंने इकट्ठे गैदर कर दिए। यही बात है, आई कट देम एंड अरेंज्ड और गैदर्ड। फॉरेस्ट के ट्रीज, फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ ट्रीज विच आर कट एंड गैदर्ड, नो। कुछ बच्चे बना, अब देखिए आप कोई भी जुमला बनाएंगे ना तो वो डेफिनेटली राइट ऑप्शन की तरफ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमारा तो हर एक का सेंटेंस फर्क होगा, बेशक फर्क हो। यहाँ भी कुछ बच्चे आंसर्स बनाते हैं, बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स विच आर सोल्ड इन मार्केट, तो चलो ऐसे कर लो। फॉरेस्ट इज मेड अप ऑफ ट्रीज विच आर सोल्ड इन मार्केट, ट्रीज आर नॉट सोल्ड इन मार्केट। वुड पाइल इज मेड अप ऑफ लॉग्स विच आर सोल्ड इन मार्केट, यस। सो एनी सेंटेंस यू मेक विल टेक यू टू द राइट ऑप्शन। ठीक है, आफ्टर कटिंग कहते हैं, बुके इज मेड अप ऑफ फ्लावर्स आफ्टर कटिंग, वुड पाइल इज मेड अप ऑफ लॉग्स आफ्टर कटिंग, फॉरेस्ट इज नॉट मेड अप ऑफ ट्रीज आफ्टर कटिंग। ठीक हो गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वुड पाइल एंड लॉग्स इज द राइट ऑप्शन। सो वेन एवर यू फील लाइक, कॉर्न वाला था हस्क एंड कॉर्न, वो तो बिल्कुल ही, वो मिस ही था। हस्क ड्राई पार्ट होता है जो कॉर्न का, और कॉर्न छली, तो हस्क इज मेड अप ऑफ कॉर्न, नॉट एट ऑल। ठीक है जी, तो वुड पाइल एंड लॉग्स इज द राइट ऑप्शन फॉर बुके एंड फ्लावर्स इन द सेम सीक्वेंस आफ्टर अप्लाइंग द सेंटेंस, नो मैटर व्हाट द सेंटेंस इज। जब भी आपको दो ऑप्शंस ठीक लग रही हैं, इसका मतलब जो सेंटेंस आपने बनाया है ना वो थोड़ा मिस है, उसके अंदर और डिटेल डालनी है। ठीक हो गया जी, नाउ लेट्स टेक अ नमाज ब्रेक एंड कम बैक एट 7:30, चाय पी आते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। समझ आ रही है आप लोगों को यहां तक सारा कुछ? इट्स मोर लाइक अ गेम, हाँ ये इंग्लिश की गेम्स इस तरह की करते हैं गेम। ठीक है जी, यस, बल्कि 7:25, 25 मिनट की ब्रेक है। ठीक है जी, ओके, some words will have two meanings, theek hai ji, and we'll have to consider the two meanings, ke is word ka, is wale jumle ka koi aur wala sentence, koi aur meaning bhi ho sakta hai ki consider kar raha hu, check kar. Ye maine apni taraf se badi mushkil example likhi thi, mujhe yaad hai apne practice time pe I couldn't crack it, lekin hamesha bache kar lete hain, so you know I know that you are going to be able to do it as well. Achha ji. The example is amorphousness and definition. What is the connection between the two? Inka relation kya hai? Make a sentence.
amorphous is something not defined. आप सेंटेंस बनाए कि डेफिनेशन के इसके साथ ताल्लुक क्या है? हाँ ना, ये तो आप लोग मुझे amorphousness का मीनिंग बता रहे हैं, डेफिनेशन का क्या मीनिंग है? हाँ, आमिर ने बिल्कुल मेरे वाला काम किया, टू डिफाइन एनीथिंग. You define globalization, define this, define that. How is that even connected to amorphousness? But most of you exactly again got it right. They are two opposites. Yes, exactly. मैं definition अपने ज़हन में मतलब वही words के अंदर define करने को definition सोचती रही अपने time में तैयारी करते हुए. This definition was actually the precision, precisely एक चीज की एक आपका व्हाइट बोर्ड है तो उस रेक्टेंगल है, इट इज प्रॉपरली डिफाइंड. और एमॉर्फस होता है, मैंने पानी टेबल के ऊपर गिराया है कि एमॉर्फस शेप है, शेपलेस. तो दे आर एक्चुअली ऑपोजिट्स, नो डिफाइंड, नो प्रिसीजन, नो डेफिनेशन इज कॉल्ड एमॉर्फसनेस. अब इसका एक सेंटेंस बनाएं जिसमें एमॉर्फस पहले और डेफिनेशन बाद में आएगा, यही बना लें. एमॉर्फसनेस इज द ऑपोजिट ऑफ डेफिनेशन या इज द लैक ऑफ डेफिनेशन. एग्जैक्टली. Now apply that sentence to the following options. Which one is the correct option? किसी word का meaning नहीं आता तो पूछ ले. Lassitude कहते हैं lazy होने को. Angularity होती है ज्यादा angles होना. Intricacy कहते हैं आपके किसी चीज का complicated होना. अब आपका एक star shape होगी तो वो ज्यादा intricate होगी क्योंकि उसके ज्यादा angles हैं. एक triangle है तो उसकी कम intricacy होगी, बस कम complex होगा. मतलब इंटरकेसी मींस कॉम्प्लेक्सिटी. रेक्टिट्यूड एंड ड्रैबनेस. रेक्टिट्यूड कहते हैं जी मॉरली अपराइट होने को, शरीफ आदमी. ड्रैब कहते हैं चीयरलेस, मोनोटोनस, डल, बोरिंग इज ड्रैबी. ठीक है. प्रिसीजन होता है प्रिसाइज होना. यूनिफॉर्मिटी होती है एक जैसा होना. जी व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन विदाउट शैडो ऑफ डाउट? One, the exact opposite is lassitude, lazy होना, energy level कम होना is the opposite of being energetic. ठीक है जी, ये हो गया. एक और example कर लेते हैं before starting our list. दो और बल्कि example. Next example है हमारी embroidery. ऑप्शन है जी पैच एंड क्विल्ट, गिल्ड एंड गोल्ड, कार्ब एंड नाइफ, स्टेन एंड क्लॉथ एंड द लास्ट वन इज चेज एंड मेटल. जी Which is the correct option? इसमें से गिल्डिंग होती है सोने का पानी चढ़ाना. अच्छा, कार्विंग होती है जो छुरी के साथ कार्व करते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं. स्टेन होता है धब्बा. चेजिंग एंड मेटल. चेज किसको कहते हैं सबको पता है. स्टेन एंड क्लॉथ. फैजान मिनाहिल भी स्टेन एंड क्लॉथ. ओके जी. वन पैच एंड क्विल्ट. सेंटेंस पहले अपना अपना यहाँ पे लिखे ना ताकि मुझे आइडिया हो. एम्ब्रॉयडरी ऑन अ क्लॉथ. ठीक है, एम्ब्रॉयडरी इज डन ऑन अ क्लॉथ, मान लिया. पैचिंग इज डन ऑन अ क्विल्ट, यस. गिल्डिंग इज डन ऑन अ गोल्ड, यस. कार्विंग इज डन ऑन अ कार्व वाला कौन कह रहा है? थ्री कोई नहीं कह रहा. हाँ, एम्ब्रॉयडरी इज डन ऑन क्लॉथ, मान लिया. ए और बी तो करेक्ट हो गए. कार्विंग इज डन ऑन अ नाइफ, ये कौन कह रहा है करेक्ट है?
कार्विंग इज डन बाय अ नाइफ, ठीक है, हाँ, इट इज नॉट डन ऑन अ नाइफ, तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसको मैं कर रही हूँ रिमूव. स्टेनिंग इज डन ऑन अ क्लॉथ, चलो मान लेते हैं, हाँ, नॉट डन, एक्सीडेंटल होती है, धब्बा लग जाता है, लगाते नहीं. चेजिंग इज डन ऑन अ मेटल, व्हाट डज चेज मीन, किसी के पीछे भागना, ठीक है ना, हाँ, पीछा करना. अब बताएं जी, अब अपनी अपनी ऑप्शन बताते हैं, व्हाट इज द राइट ऑप्शन. मेरी एक बात सुने, embroidery is done on a cloth, मान लिया, patching is done on a quilt, मान लिया, gilding is done on a gold, मान लिया, staining is done on a cloth, मान लिया, चले जी, chase is done on a metal, B, ये दो तो माने के ना माने, मुझे एक बात है, दो options तो at least correct लग रही है. इसका मतलब क्या है, sentence आपका ज्यादा specialized नहीं है, इसे और detail करें, क्यों, embroidery is done on a cloth, क्यों करते हैं जी, टू ब्यूटिफाई इट, हाँ, अब जी, अब पैचिंग जो है आपकी कहीं से कमीज फट जाती है, आप उसके ऊपर पैचिंग करते हैं खूबसूरती के लिए, पैच होता है कि कहीं से फट जाए तो उसे पैच लगाते हैं, पैच वर्क का मुझे कोई ना कहे कि मैडम अक्सर बच्चे अक्सर थे मैम फैशन है पैच वर्क है, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया कि फैशनेबल वाला पैच है, उन्होंने बस कहा जी फट गया तो अंग्रेजी में एक ही पैच है कि जब कोई चीज फट जाती है तो उसको पैच पैच कर ले, पैच लगा देते हैं. तो ये ऑप्शन तो ब्यूटीफाई के लिए नहीं है. आगे आ जाएंगे, स्टेनिंग इज डन ऑन अ क्लॉथ टू ब्यूटीफाई इट, धब्बा कपड़े पे लगाया, ये तो बिल्कुल ही ना हो गई, ये भी बैड हो गया, ये भी बैड हो गया, पैचिंग नहीं. गिल्डिंग इज डन ऑन अ गोल्ड टू ब्यूटीफाई इट, नालायको, सोने के ऊपर सोने का पानी कोई नहीं चढ़ाता, हर उस चीज के ऊपर गोल्डन वो करते हैं, गिल्डिंग करते हैं, सोने का पानी चढ़ाते हैं जो आर्टिफिशियल हो या जो गोल्डन ना हो, सोना इटसेल्फ गोल्डन है जिसका कलर कभी नहीं उतरना, उसके ऊपर क्यों सोने का पानी चढ़ाया जाए, लॉजिक, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. देन कम्स द लास्ट ऑप्शन, चेज एंड मेटल, चेज एक बच्चे, वन ऑफ यू गॉट इट राइट, चेज मान लिया, किसी के पीछे भागने को कहते हैं, चेजिंग जो है मेटल के ऊपर डिजाइन करने को भी कहते हैं, डबल मीनिंग, मैंने कहा था दो दो मीनिंग, दूसरा मीनिंग भी पता होना चाहिए. तो चेजिंग जो आपके मुगल एरा में गोल्ड के ग्लासेस मूवीज में पकड़े होते हैं, उसके ऊपर गोल्ड के ऊपर डिजाइन बने होते हैं, दैट्स कॉल्ड चेजिंग. सो चेजिंग इज डन ऑन अ मेटल टू ब्यूटिफाई इट, यस, बता चुका चेज का आप लोग एक मतलब सोच रहे थे, दूसरा पता नहीं था, मुझे खुद भी पता नहीं था, टिल माय प्रिपरेशन, ठीक हो गया जी. आगे आते हैं, लास्ट एग्जांपल एंड देन वी विल नोट डाउन आवर लिस्ट. ये आता है, ओह माय गॉड, लास्ट वन इज जी प्रॉक्टर एंड सुपरवाइज. हु इज अ प्रॉक्टर, आप में से बहुत बच्चे स्कूल में अपने टाइम में प्रॉक्टर रहे हो, कैप्टन क्लास का जो होता है, he or she is a proctor, right? और सुपरवाइज, उसकी क्लास के अंदर ड्यूटी लगी होती है, देखो क्लास में कोई बातें ना करे, कोई चीटिंग ना करे, उस सामने ऐसे फखर से बच्चा खड़ा होता था प्रॉक्टर बन के, हाँ, that is proctor and supervisor, ठीक है जी. ऑप्शंस, प्रॉफिट एंड रूल, पहले इसका जुमला तो बना ले, हाँ, जो मॉनिटर होते हैं, जो कैप्टन होते हैं, इसको जुमला बना लेते हैं जी, अ प्रॉक्टर सुपरवाइजर्स, ठीक है जी, यही है. द क्लास ना करें, क्योंकि ऑप्शंस में आगे जवाबों में सारी क्लास नहीं होगी ना, कोई दुनिया की भी एग्जांपल होगी तो वो क्लास से स्पेसिफिक हो जाता है. तो चलिए, अ प्रॉक्टर सुपरवाइजर, ये हो सिंपलीफाई. प्रॉफिट एंड रूल, ठीक है जी, होली प्रॉफिट रूल मक्का एंड मदीना, ये इस तरह हम जो ये कहते हैं, प्रॉफिटियर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, वो बंदा जो चीज खरीद रहा है. प्रॉफिटियर क्या होता है, कि मैंने बाजार से एक चीज 10 रुपए की खरीदी और जोहा को मैंने वो 20 रुपए की दे दी, जोहा कंज्यूमर है जिन्होंने खरीदी,
बीच में मैंने अपना 10 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, ली मैंने 10 की थी, बेची मैंने 20 की, हाँ तो आई विल बी अ प्रॉफिटियर द मिडल मैन. अच्छा नेक्स्ट इज प्रोडिगल एंड स्क्वांडर. प्रोडिगल होता है जी आपका एक फूलिश स्पेंडर, एक ये मैं हूं ठीक है ना, तो अ फूलिश स्पेंडर इज अ प्रोडिगल. और स्क्वांडर कहते हैं टू वेस्ट, स्क्वांडरिंग होता है स्टॉप स्क्वांडरिंग ऑल द मनी, पैसा वेस्ट करना बंद करो ठीक है जी. लास्ट वन इज प्रोडिजी एंड वंडर. प्रोडिजी का मतलब क्या होता है, टैलेंटेड होना, और वंडर क्या होता है, बस वंडरफुल वंडर ठीक है ना, वंडर मतलब ना बस वो वंडर वंडर, आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट. अच्छा जी आप बताएं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हिच इज द राइट ऑप्शन, एंड इफ टू और मोर ऑप्शंस साउंड करेक्ट यू नीड टू रीफ्रेज योर सेंटेंस और स्पेशलाइज द सेंटेंस. लास्ट टू शॉर्ट लिस्ट हो गए ठीक है जी, 1 and 3 हो गए. ओके अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कई दफा आप सेंटेंस को अगर वो भी करोगे ना थोड़ा स्पेशलाइज भी करोगे उसके बावजूद भी आप ठीक ऑप्शन तक कई दफा नहीं पहुंच पा रहे होते, तो भी 2-3 ठीक लग रही होती, वो क्यों, क्योंकि आई कैचर्स होते हैं ऑप्शन के अंदर, और जो आपको सर्टेन होगा कि यही जवाब है वो बिल्कुल भी नहीं होगा. इन्होंने 2017 में वर्ड्स आसान कर दिए 16 वाली गलती के बाद, और इन्होंने साथ ही आई कैचर्स हर सवाल में डाल दिए, और बच्चा स्टुक कहता था ये जवाब है वो बिल्कुल नहीं होता. तो प्लीज रिकंसिडर योर आंसर्स. लॉक कर दिया जाए. रबिया बताएंगी जी के, रबिया है सर, रबिया बताएंगी कि 4 कैसे है, और साथ भी बताएंगे और अब्दुल्ला भी बताएंगे, जिन्होंने 4 कहा है वो मुझे समझाएंगे कि हाउ डू दे थिंक दैट 4 इज द राइट ऑप्शन. जो टैलेंटेड बंदा होता है वो वंडर्स शो करता है. ठीक है जी रबिया, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुपरवाइज करता है, तो प्रोडिजी और वंडर का इसके साथ क्या ताल्लुक है. आइडियाज वंडर करते हैं. अच्छा अब आते हैं जी हम इसके ऊपर, इट शुड एक्चुअली गो विद द सेंटेंस, चेंजेस नहीं करना ठीक है. अब आपने जुमला बनाया अ प्रॉक्टर सुपरवाइजेस, अ प्रॉफिट रूल्स, अ प्रॉफिटियर कंज्यूमर्स, अ प्रोडिगल स्क्वांडर्स, अ प्रोडिजी वंडर्स, ये ऐसे ही होगा, नो चेंजेस. तभी तो ये एनालॉजी एज इट इज, ये रेशो का साइन याद है ना कि एग्जैक्टली रेप्लिकेट में. अच्छा जी प्रॉफिट एंड रूल, अच्छा प्रॉफिटियर और कंज्यूमर तो हट गई है तो ऑप्शन ही गलत है. ठीक है जी अब आ गए हमारे पास 3, इसमें से सबसे पहले मैं ये ऑप्शन निकालना चाहूंगी प्रोडिजी एंड वंडर, क्योंकि वंडर हम कॉमनली नॉर्मल इंसानों के लिए यूज कर लेते हैं, बट वंडर्स आर एक्चुअली सुपरनैचुरल. वंडर्स आर प्रैक्टिकली, जो इंग्लिश के मायने है वंडर के, वो सुपरनैचुरल चीजें वंडर्स शो करना. 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड विच आर आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग्स, सुपरनैचुरल टाइप चीजें ठीक है. अब स्टोनहेंज है, नोबडी नोस किसने वो खड़े किए थे, हर पुलिस ने किए थे, पता नहीं किसने फलाने बंदे ने किए थे, किसी ने अपनी प्रेयर एरिया बनाया था, बट हु पिक दो स्टोन्स अप, टुक देम टू दैट हिल, और इतना एरिया क्रॉस करके कहाँ पे रखे, और उनका साइज क्या था, कितने बंदे थे, दैट इज अ वंडर. तो ये ऑप्शन भी गई क्योंकि ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड रूल एंड प्रोडिगल एंड स्क्वांडर. Yes, prophet's duty is not to rule. ये हम out of respect कहते हैं कि a prophet rules. ठीक है कि जी kings and queens की जिस तरह ruling power होती है, वो तो by blood ruler होते हैं ना.
लेकिन इतने फॉलोअर्स होते हैं एक प्रॉफिट के कि लोग उनको ऐसे मानते हैं जैसे कि कोई किंग या क्वीन, वो उस लेवल की रिस्पेक्ट है, उससे भी ज्यादा शायद। तो ये ऑप्शन प्रैक्टिकली प्रॉफिट्स डू नॉट रूल, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोला जाता है, ही रूल्स। ठीक है, अ प्रॉफिट स्प्रेड्स द मैसेज, मैसेंजर है। प्रोडिगल स्क्वांडर्स, एक ऐसा बंदा जो कि पैसे वेस्ट करता है, फुलिश स्पेंडर है, ही वेस्ट्स द मनी, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना। अगेन, जो लोग डीमोटिवेट अभी तक हो चुके हैं उनके लिए एक रिमाइंडर है कि क्लास की एग्जांपल्स बहुत मुश्किल है और हाफिज वाली किताब वाली तो बहुत ही मुश्किल है। अभी जब हम 2017 का पास्ट पेपर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस लेवल के आएंगे, सो डोंट वरी। राइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट एग्जांपल बिफोर मूविंग ऑन टू आवर लिस्ट। दिस इज जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड अ वर्ब। क्या डिफरेंस है जी? नाउन होता है किसी बंदे का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, नेम है, प्रॉपर नाम। वर्ब क्या है? एक्शन, कोई भी काम, नाम और काम, राइट? अब आपने कभी कभी ये भी ख्याल करना है कि वो नाउन और वर्ब वाली कहानी भी आपके साथ लगा देते हैं, डबल मीनिंग के साथ साथ कई दफा नाउन और वर्ब वाला भी लांजा जो है ना वो स्टार्ट हुआ। अच्छा जी, अब हम करते हैं लास्ट एग्जाम्पल। ये है जी आपका फ्लैग एंड विगर, फ्लैग एंड विगर। विगर क्या होता है? फ्लैग का तो सबको पता है, व्हाट इज विगर? एक्टिव एनर्जी, आपका स्ट्रेंथ, हाँ, दिस इज योर विगर। ठीक है जी, एंथुजियाज्म। अब क्या है, इसकी ऑप्शंस क्या क्या हैं जी? इनके अपना अपना सेंटेंस बना लें, इसका क्या रिलेशनशिप है आपस में? ठीक है जी, इट शोज विगर। ओके जी, अपना अपना जुमला सारे बना लें। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज करेज एंड एंड्योर। क्वेश्चन एंड परसेप्शन, वेवर एंड रेजोल्यूशन, लेटर एंड चार्म। जी करेज क्या है? ताकत। एंड्योर क्या कहते हैं? लॉन्ग लास्टिंग। क्वेश्चन क्या है? सवाल। परसेप्शन क्या है? सोच। वेवर क्या है? डगमगाना। रेजोल्यूशन क्या है? जो आप रिजोल्व करते हैं, न्यू ईयर स्टार्ट होता है, आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखते हैं, आपकी कोई रेजोल्यूशन होती है। फ्लैटर एंड चार्म। फ्लैटर क्या होता है? तारीफें करना। और चार्म क्या होता है? पर्सनैलिटी में कुछ चार्म होता है, अट्रैक्शन होती है। जी वॉट इज द राइट ऑप्शन? सारे बाकी भी जो साइलेंट मोड पे बैठे हैं, अपने अपने जवाब जरा अपने ब्रेन्स को यूज करें, गलत हो सकता है, बट एटलीस्ट यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग हियर, वन और फोर राइट। बाकी कौम क्या कर रही है? देखो अपने सेंटेंस के साथ साथ थोड़ी सी अकल भी लगानी है कि इनका जो आपस का रिलेशनशिप है ऑप्शंस में एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप है या नहीं। ठीक है, फ्लैग आपको मैंने कह दिया, आपने जुमला बना दिया जी, फ्लैग शोज विगर, क्वेश्चन शोज परसेप्शन। ठीक है, आपके सवाल आपकी सोच बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन और परसेप्शन का कोई ताल्लुक है फ्लैग और विगर के साथ? हम एनालॉजी अभी तक ऐसे ही कर रहे हैं ना, इधर टीचर एंड स्कूल है तो इधर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल है, वैसा वैसा जवाब उस किस्म का होना भी चाहिए, यही बात है ना? मतलब ऑप्शन का रिलेशन इस तरह का होना भी चाहिए। फोर लग रहा। अच्छा जी, आते हैं जी अब आंसर के ऊपर। व्हाट डज फ्लैग मीन? What is a flag?
झंडा नाउन इट्स अ सिंबल राइट फ्लैग हियर इज अ वर्ड और फ्लैगिंग का मतलब होता है कोई चीज अनसर्टेन है अ फ्लैगिंग विगर मतलब एक चीज कम हो रही है और ये ज्यादा हो रही है मतलब कि जितनी फ्लैगिंग होगी उतना विगर कम होगा अ फ्लैगिंग विगर का मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ और एनर्जी है वो डगमगा रही है अ फ्लैगिंग विगर वर्ब वर्ब Now, which is the right option? There will be just one right option. जिस तरह flagging vigor होगा, इसी तरह wavering resolution होगा. हाँ, एक तो flag झंडा है ना, मान लिया. लेकिन आपने देखा नहीं कि झंडे के साथ यहाँ पे इन चारों में से किसी का ताल्लुक था? Noun जो है झंडा, इसमें से कोई चीज़ झंडे के साथ match होती थी? No. आपको उसी वक्त सोच लेना चाहिए कि या ये double meaning है. या ये नाउन और वर्ब में फंसा रहा है या कोई आई कैचर है ये तीन बातें होंगी ठीक है जी या होगा नाउन और वर्ब का इशू या होगा कोई आई कैचर या क्या होगा डबल मीनिंग तो ये नाउन और वर्ब वाली कहानी में इसने आपको फंसा लिया था अच्छा So it is actually a flagging vigor is actually the answer for this is the wavering resolution. कि एक बंदे ने resolve किया इस साल मैं चाय नहीं पीऊंगा अब वो waver कर रहा है शाम के time घर में चाय बन रही है उसका flagging resolution है wavering resolution है नहीं एक कप पी लेता ठीक है जी this is exactly the same as a flagging vigor. Right? Let's move on to our list of things. Yes, it is pretty difficult. Apologies for writing down difficult examples for class, but there is a reason for that. ताके paper वाली चीजें आसान लगें. Okay जी. Common analogy types क्या हैं? Number one type हमारे पास आती है definition. अब हम सिर्फ question लिखेंगे, no answers, क्योंकि आपको तरीका समझ आ चुका है चार options, पांच options वाले. Sometimes there are four, sometimes there are five options. अच्छा जी. इसमें आता है आपका refuge का definition क्या होगी? Shelter. टीचर का एक और क्या होगा जी मेंटोर तो एक्चुअली वर्ड और उसका मीनिंग प्रिटी का क्या होगा ब्यूटीफुल ठीक है जी नेक्स्ट टू पे आ जाएगा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इसी चीज का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक आजो साथ आजो अच्छा लेडी को खोल दो ठीक है वो इधर शोर कर रही है मेरी फिर क्लास डिस्टर्ब होती है थैंक यू और साथ मुझे चाय और पानी भी ला दो एक कप चाय और पानी राइट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है किसी चीज का आपने कोई क्वालिटी डिस्क्राइब की ठीक है एथलीट है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी एजिलिटी वो बड़ा फ्लेक्सिबल होगा बड़ा एजाइल होगा बड़ा ग्रेसफुल होगा ठीक है अच्छा इसके बाद आपका जो ब्रिटिश होते हैं वो यूरोपियन होगा उसकी क्वालिटी ट्रेड ये है ठीक है उसके बाद आपका जो एक्ट्रेस होंगी वो ब्यूटीफुल होंगी ये उसकी ट्रेड है कैरेक्टरिस्टिक है दो इट्स नॉट एक्ट्रेस की ट्रेड होनी चाहिए गुड एक्टिंग नॉट बीइंग ब्यूटीफुल वो तो हम जाहिर है Okay, right. sorry. मेरे आप लोगों में से किसी के साथ होता है the one who's very particular कि उसके खाने में कोई बाल ना निकले उसके खाने में कोई चीज ना निकले उसके खाने में से जरूर निकलती literally every other time मैं खाने से पहले जरूर अपनी चीजें गौर से देखती हूँ कि इसमें कोई ऐसी वो कोई बग ना हो बाल ना हो हमेशा मेरे मतलब 10 प्लेटें होंगी लेकिन मेरी प्लेट में से कुछ ना कुछ निकला एग्जैक्टली है ना ये होता है ना वहम नहीं लिटरली देयर इज अ फ्लाई इन माय नूडल्स अच्छा जी नेक्स्ट इज वो कहते होते हैं ना
वहम नहीं बच्चे, लिटरली देयर इज अ फ्लाई, आई कैन सी इट, उसके अंदर पड़ी हुई मरी हुई पड़ी है बेचारी, पक के वो ले आए उसको भी पका के साथ। खैर वो कहते होते हैं ना, वट एवर यू थिंक वो आपके एक्शंस के अंदर वही आ रहा होता है, ये प्रैक्टिकली दैट हैपेंस रियली। बाल भी अक्सर, और मैं बहुत ही ज्यादा इसके बारे में सीरियस हूँ, इस चीज के बारे में उतनी मेरे साथ होती है। अच्छा जी, क्लास एंड मेंबर में क्या होगा जी, के एक बड़ी चीज होती है, हाँ एक बड़ी चीज है, और उसके अंदर एक छोटा मेंबर होगा उस क्लास का। जैसे कि हम अपने बायोलॉजी में पढ़ते होते थे, रेप्टाइल की क्लास है, उसके अंदर लिजर्ड होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो हर्बीवोर्स होंगे, वो बड़ा क्लास है, उसका एक मेंबर क्या होगी जी, गोट होगी, ठीक है। इसी तरह कार्निवोर्स होंगे तो उसके अंदर एक टाइगर होगा, सेनेटर नहीं नहीं वो प्लेस में आएगा, मैमल्स और व्हेल आएगा, लिविंग थिंग्स में ह्यूमन आएगा, लिविंग थिंग्स तो बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है होमो सेपियंस, नहीं ह्यूमन किस कैटेगरी में थे, ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स थे जो दोनों खाते थे, हाँ ह्यूमन मैमल्स में थे, माय बैड, मैमल्स में ह्यूमन आ गए और ओमनीवोर्स में आ गए जो फ्रूट वेजिटेबल और मीट दोनों खाते हैं, ठीक है जी। ह्यूमंस यहाँ पे आ गए। अच्छा, इसी तरह ये बायोलॉजी से बाहर भी आते हैं क्लास और मेंबर्स, जैसे कि वो आपको दे देंगे फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स। फिलॉसफी जो है वो आपकी है बड़ी फील्ड, और मेटाफिजिक्स उसका छोटा पार्ट है, ठीक है जी। तो आपका क्या होता है कि उस बड़ी फिलॉसफी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें से मेटाफिजिक्स एक चीज है। इसी तरह पोइम्स जो हैं वो आपकी बड़ी कैटेगरी है, पोइम्स बहुत से टाइप्स की हैं, उसकी एक क्लास या एक टाइप जो है वो सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या है जी, आपकी वो 14 लाइंस होंगी, वो राइम करती होंगी, कुछ पोइम्स होंगी जो फ्री पोइम्स कहते हैं कि क्या ओपन पोइम्स कहते हैं, जो राइम नहीं करती, हाँ स्टोरी का एक जॉनर फिक्शन होगा, इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है जी। So you got my point. तो एक बड़ी चीज और उसके अंदर आपकी कोई छोटा छोटा क्लास। I'm removing these. I'm sorry, क्योंकि ये बार बार मुझे ना ये व्हाइट बोर्ड का ये बड़ा मसला है। Had I been able to share my screen, I use that word program for my lectures, but पता नहीं इस एक क्लास में मतलब इन वाले कोऑर्डिनेटर के साथ मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी आपके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट। एग्जैक्ट ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, वैक्स एंड वेन। वैक्स करना किसको कहते हैं, वो वाला नहीं, एक होता है अल्टरनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज। वैक्सिंग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड वेनिंग इज गेटिंग वीकर। तो वैक्स इज स्ट्रॉन्गर, वेन इज वीकर, दीज आर टू ऑपोजिट्स, वैक्स एंड वेन, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा एनार्की एंड ऑर्डर। एनार्की होती है हलचल, सब कुछ डिसरप्टेड, खराब। ऑर्डर क्या होता है, सारा कुछ सीक्वेंस मेंटेन। हाँ, वैक्स करना इरिट, वो वैक्स होता है VEX, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैक्स करने को इरिटेट करना कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है डार्क एंड लाइट। वेन होता है टू गेट वीकर, वैक्स इज टू गेट स्ट्रॉन्गर, बड़ा होना, और वेनिंग छोटा होना, कम होना, वीक होना। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी ब्लैक एंड वाइट, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट्स हैं, राइट। अब ये तो आसान था, एंटोनिम्स आसान है, बच्चे समझ जाते हैं। एक आते हैं जी वेरिएंट एंटोनिम्स। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आपने समझना है, और ये अक्सर औकात दे देते हैं पेपर में। लेट मी जस्ट ओपन माई कैमरा, क्योंकि ये मैं आपको एक्शन के साथ समझाऊंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक तो एंटोनिम क्या होगा कि ये मैं हूं जी, ये पोजीशन है एक बंदे की, और बंदा बहुत कंफ्यूज है, ठीक है ना। दिस इज कंफ्यूज्ड स्टेट, प्लीज फॉरगिव माय ऑयली हेड, दिस इज कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, एग्जैक्ट और एंटोनिम कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट क्या होगा, ये योर शोल्डर्स बैक, योर स्टैंडिंग कॉन्फिडेंटली, मे बी स्टीपल्स, ठीक है जी, दिस इज कॉन्फिडेंट।
एंड हाउ इज अ पर्सन कंफ्यूज्ड, फिजिट कर रहा होगा, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा होगा, दिस इज कंफ्यूज्ड स्टेट. ठीक है जी, ये हो गया एक चीज का होना, कंफ्यूज्ड होना, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूं. और फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्फिडेंट होना. अब मैं कह रही हूं एक चीज का होना है जो कि कंफ्यूज्ड होना, अगर मैं कंफ्यूजन हटा दूं पर मैं ऑपोजिट भी नहीं जा रही, नॉट कॉन्फिडेंट बट वो कंफ्यूज भी नहीं है, फिजिट शिजिट नहीं कर रहा, उंगलियां ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, यूं यूं नहीं हो रहा, बस ऐसे. तो द पर्सन इज नॉट कंफ्यूज्ड, लेकिन कॉन्फिडेंट का लेवल भी अचीव नहीं किया. पर ये कौन, ये जो कहते हैं कंफ्यूज होने वाली स्टेट थी, ये बस रिमूव हो गई है, ये अब नहीं. उसको कहते हैं पोस्चर, कंपोज्ड, पॉइज. हम कहते हैं ना काम एंड कंपोज्ड, तो वो काम है, कंपोज्ड है, पर कॉन्फिडेंट नहीं है. कॉन्फिडेंट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस व्हाट यू कॉल कंफ्यूज्ड, समवेयर इन द मिडिल. ठीक है, अब ब्लैक का मैंने क्या कहा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है, व्हाइट. लेकिन उसका वेरिएंट एंटोनिम मैं क्या कह दूंगी, ब्लैक का ऑपोजिट ब्राइट. ब्लैक मैं अंदाजा करूंगी अंधेरा है, अंधेरा ना होना ग्रे, या मैं कह रही हूं अंधेरा हटा दो तो ब्राइट, ठीक है ना, लेकिन नॉट एग्जैक्टली व्हाइट. तो दिस इज हाउ वेरिएंट एंटोनिम्स वर्क, कि एक चीज है और फिर वो चीज नहीं, तो वो चीज ना होने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज द वेरिएंट एंटोनिम. यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट. ये अक्सर बच्चे नहीं समझ पा रहे होते जब मैं वो कर रही होती हूँ. लेट मी गो टू माय शेयरिंग. ओके जी, आई होप कि समझ आ गया होगा इस एग्जांपल के साथ. राइट, मीडियम टाइप ऑफ सिचुएशन, यस, एब्सेंस ऑफ दैट थिंग. ठीक है, जैसे अब मैं दोबारा इसके ऊपर लिख रही हूँ, एग्जाम्पल्स लिखते हैं. नंबर वन इज नर्वस. नर्वसनेस को हमने रिमूव किया तो कॉन्फिडेंट होना हुआ बंदा, वो पॉइज में आ गया, कंपोज्ड हो गया, या काम है, बट ही इज नॉट कॉन्फिडेंट. ठीक है जी, इसी तरह अब हम करते हैं सिनोनिम्स. सिनोनिम्स आर द एग्जैक्ट मीनिंग्स. जैसे हमने पहला डेफिनेशन किया था एग्जैक्टली उसी तरह आता है आपका, आएगा ब्यूटिफुल एंड प्रिटी, इट्स ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है जी, आंसर भी फिर वैसा ही होगा. एग्जैक्टली, वेरिएंट टाइप का आंसर भी वैसा ही दिया होगा. कैन सिल्वर लाइनिंग फ्रेज बी प्लेस्ड इन दिस वेरिएंट एंटोनिम? नो बच्चे, नो नो नो, दे वोंट गिव यू दीज फ्रेजेस एंड नॉट. वन वर्ड होगा और ये जी आर ई की वर्ड लिस्ट होती है और ये सिनोनिम मतलब एक एक वर्ड आएगा. दे अवॉइड फ्रेजेस. आई हैव सीन जस्ट वर्ड्स, देयर इज नो डिफरेंस, इट्स एक्चुअली द सेम. लेकिन डेफिनेशन में कई दफा उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर देते हैं. सिनोनिम इज जस्ट वन वर्ड, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट, बट दे आर ऑलमोस्ट द सेम, दे आर ऑलमोस्ट द सेम. जी आर ई वोकैब इज अ लॉट. If you learn it, 3,500 new words added to your vocab, it's more than enough. जिस तरह हमने किए थे variant antonyms, इस तरह अब आपके आते हैं variant synonyms. ठीक है जी, variant synonyms का exactly यही मतलब है जैसे एक antonyms का था, कि वो चीज है और वो चीज का removal. मैंने कहा एक मिनट, will you excuse me, साद. बना के दोबारा ऊपर ला दो, ये दरवाजा बंद प्लीज. पानी डाल, बस मुझे बता दो माउंट गरम. अच्छा जी, वेरिएंट सिनोनिम क्या होता है, कि दे आर एक्चुअली नॉट द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बट द मीनिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम. थैंक यू. ठीक है, एग्जांपल इसका आएगा जी आपका वर्बोज एंड वर्डिनेस. अब वर्बोज किसे कहते हैं?
ये जिसकी हम कहते हैं यार इस बंदे की वर्बोसिटी चेक की है, ये जो बच्चे जीआरई की वर्डलिस्ट याद कर लेते हैं ना उनकी वर्बोसिटी असम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे वो वर्ड्स बोलते हैं और ऐसे भी लिखते हैं कि टीचर को भी समझ नहीं आता, ठीक। तो जिस बंदे को अच्छे अच्छे बड़े बड़े खूबसूरत वर्ड्स वोकैबुलरी आती है उसको हम वर्बोसिटी कहते हैं। वर्डीनेस ऑन द अदर एंड क्या है, आपके बहन भाइयों में से एक बहन भाई होगा जिसकी माँ बाप सारी बातें मानते, ठीक है, मेरे घर में मेरी बिल्कुल नहीं मानते, क्यों, क्योंकि मैं ठा करके सीधी बात करती हूँ, मैंने ये करना है, वो आपसे कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। अब जो छोटी बहन है वो कैसे करेगी, पहले पूरी कहानी, वो ऐसे हुआ था ना, ऐसे फ्रेंड्स ने प्लान बनाया, बड़ा मसला बना, ये वो करते 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 माँ बाप खुद ही कह देते हैं बेटा आपको ऐसे करना चाहिए, जो एक्चुअली मैंने डायरेक्टली पूछ लिया होता। तो वो अच्छे तरीके से बात करने को वर्डीनेस कहते हैं, कि यार इस बंदे की लफाजी, इस बंदे की बात करने का तरीका बहुत ही औसम है, इसको लोगों को काउंसिल करना आता है, इसको लोगों को जो भी कहते हैं जो भी वर्ड्स हैं बस वो करने आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का घेरना आता है, अब इन दोनों का मीनिंग एक्चुअली डिफरेंट है, ये अच्छे सिनोनिम्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, और वर्डीनेस, हाँ वर्ड्स घुमाना, बातें करना, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको एक ही कंसिडर करते हैं और हम कहते हैं अ वर्बोस पर्सन इज गुड एट वर्डीनेस, ठीक है जी, वो अच्छा बोलता है, चाहे वो वर्ड्स अच्छे बोल रहा है या वो बात अच्छी कर रहा है, आइदर वे वो अच्छा बोल रहा है। तो ये वेरिएंट सिनोनिम है कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग तो सेम नहीं है लेकिन इनको एक ही तरीके के साथ लिया जा रहा है, जैसे कि वाइट या ब्राइट, ठीक है ना, बाहर वाइट लाइट है डे टाइम, या मैं कहूं बाहर ब्राइट लाइट है, इट्स द सेम, हालांकि ब्राइट का मतलब फर्क है और वाइट का मतलब फर्क है, या मैं लाइट कह दूं, लाइट एंड ब्राइट, but they are two different things, light dim bhi ho sakti hai. To ye is tarah aapke variant synonyms hote hain ki they are taken in the same context, right? Next is degree of intensity. Ye bahut hi yaar tempo break karne wala kaam hai. Degree of intensity. Degree of intensity kya hai, ki ye kisi cheez ka zyada aur kam hona, wo ये वर्ड अब यहाँ पे आ गया, मैं ये कहती हूँ हल्की हल्की स्नोफॉल को कहते हैं फ्लरी, फ्लरी वर्सेस ब्लिजर्ड, इंटेंसिटी फर्क है ना, ये बहुत तेज है, ये बहुत स्लो है, तो फ्लरी एंड ब्लिजर्ड। इसी तरह शाउट एंड विस्पर, एक ही चीज है बोलना है लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत आहिस्ता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ऊंची है, राइट। नेक्स्ट इज पार्ट टू होल, पार्ट टू होल के आधी पूरी चीज का एक हिस्सा, ऐसे आपका हाउस जो है वो होल है और उसके अंदर एक रूम जो है वो उसका पार्ट है, पिज्जा आपका होल है, जो पीस है उसका एक वो आपका पार्ट है, इसी तरह आपका और एग्जांपल्स दे दें, आर्किपेलेगोस जो हैं ये मतलब छोटे छोटे बहुत सारे जो मिल्के आइलैंड्स बनाते हैं इसको आर्किपेलेगो के, आर्किपेलेगो और आइलैंड, एक आइलैंड उसमें से जो है उसको आइलैंड कहेंगे, बॉडी एंड आर्म, एल्बम एंड ट्रैक, एक्सेलेंट, ठीक है जी, मैं ये लिख रही थी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, ये नेक्स्ट इज कंट्री एंड प्रोविंस, गुड, या स्टेट। नेक्स्ट आता है फंक्शन, किसी चीज का फंक्शन पूछा जाएगा, जैसे कि स्कूल का फंक्शन क्या है, एजुकेशन, हॉस्पिटल का फंक्शन क्या है, ट्रीटमेंट, सेनेट का फंक्शन क्या है, लेजिस्लेशन करना, नाइफ का फंक्शन क्या है जी, कट करना, बिल्कुल गुड, ये सारे हो गए आपके, और भी दुनिया की जो चीजें हैं जिनका जो फंक्शन है डालते जाएं। अच्छा जी, आगे आता है मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, द मैनर इन विच समथिंग इज डन, मैनर में क्या आता है,
स्ट्रट एंड वॉक. स्ट्रटिंग क्या होती है? What does strut mean? लड़खड़ा के चलना? No. Strut कहते हैं जब इंशाल्लाह आप लोग CSS पास कर लेंगे ना, उसके बाद जो आप ऐसे सीना चौड़ा करके फखर से, वो जो आपका रॉड नेक में आ जाएगा और वो जो आप चलते हैं ना बच्चे, उसको कहते हैं स्ट्रटिंग. ठीक है ना? तो वॉकिंग का एक तरीका एरोगेंटली चलने को स्ट्रट कहते हैं, अकड़ के चलने. ठीक है जी. नेक्स्ट इज, दिस इज अ वे ऑफ वॉकिंग. स्ट्रटिंग इज अ वे ऑफ वॉकिंग, अकड़ के चलना. इसी तरह मैं लिंप एंड वॉक कह दूं, तो ये जो आप लोग कह रहे हैं वो स्टम्बल करना या उस तरह लड़खड़ा के चलना, हाँ दैट इज लिंपिंग. हाँ कोई बात नहीं, खैर ठीक है जी. लिंप एंड वॉक या स्टम्बल एंड वॉक, आप लड़खड़ा के चल रहे हो. इसी तरह आपको मैं कहूं मंबल एंड स्पीक. व्हाट इज मंबलिंग? बात करने का एक तरीका है. विस्पर और शाउट तो पता है. मंबलिंग होती है वो जो मुंह के अंदर अंदर नहीं बोलते, जब जब एक मैं आपको बेइज्जती दूं किसी एक बच्चे को, हाँ किसी बच्चे को मैं डांट करूं, तो वो पीछे से जो कहते होते हैं अपने आप को बहुत कुछ समझ रही है, ये जो कहते होते हैं ना, ये हाँ ये मंबलिंग है. ठीक है. हाँ स्नोरिंग एंड स्लीप, बड़बड़ाना. शाउट एंड स्पीक अगेन. फिर उसके बाद शाउट एंड स्पीक आपका चीख के बात करने का, अगेन दैट्स द मैनर ऑफ स्पीकिंग. शाउट करके स्पीक कर रहे हैं, विस्पर करके स्पीक कर रहे हैं, हाउएवर यू डू. ठीक है जी. नेक्स्ट इज एक्शन एंड सिग्निफिकेंस. एक एक्शन और उसका फायदा क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग. इसमें क्या होगा आपके एक्शन एंड रिएक्शन में क्या क्या आएगा? कट, तो आगे से क्या होगा? ब्लीड. ठीक है. ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी क्या बनेगी? इमेज. एक्शन होगा तो उसका क्या बनेगा? रिएक्शन होगा. उसके बाद क्या आ जाएगा? पेन होगा तो या विंस करेंगे या क्राई करेंगे. विंस होता है आंखें वो मीचना, विंस या क्राई. ये आपके हो गए एक्शंस एंड reactions. Then is your worker and article created. ये एक बंदा है और वो क्या चीज बनाता है, तो poet जो है वो क्या बनाएगा? Poems or sonnets or any other types of poems. ठीक है, poetry करेगा. Architect क्या बनाएगा? मैप्स या ब्लू प्रिंट्स. बिल्डिंग्स के प्लान्स बनाते हैं ना आर्किटेक्ट. गोल्डस्मिथ ज्वेलरी बनाएगा, मेसन वॉल बनाएगा. डॉक्टर क्या करेगा? स्टिचेस बनाएगा, लगाएगा, सर्जरीज करेगा. अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो वर्कर और उसका आर्टिकल क्रिएटेड में आ सकता है. ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक्शन रिएक्शन है कि शीशे के आगे एक ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका इमेज बनेगा. या इसी तरह ऑब्जेक्ट एंड शेडो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसका शेडो बनेगा, मतलब रिएक्शन हो रहा है ना उसका कुछ कुछ, या इमेज बन रही है या उसके ऊपर कोई उसकी शैडो बन रहा है. एनीथिंग दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अच्छा जी. नेक्स्ट इज वर्कर एंड टूल. वर्कर और उसका टूल क्या है जी? नंबर वन आता है आपका पेंटर. पेंटर का टूल क्या होगा? पेंट ब्रश. नेक्स्ट कारपेंटर का टूल क्या होगा? या वाइस. ठीक है जी. सिक्कल आपके पेजेंट का मैंने बोल ही दिया. पेजेंट का क्या होगा? मजदूर जो होते हैं वो जो घास काटते हैं और जो खेती बाड़ी खेतों में जो एंड में अपनी फसल काटते हैं, वो किससे काटते हैं? नो, उसको कहते हैं द्रांटी, वुड कटर की एक्स. एग्जैक्टली, द्रांटी को कहते हैं सिक्कल. हाँ, इट्स कॉल्ड अ सिकल. इट्स सी शेप और उसको सिकल कहते हैं. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट इज योर वर्कर एंड हिज वर्क प्लेस. प्लेस
अच्छा, डॉक्टर की वर्क प्लेस क्या है? हॉस्पिटल। सेनेटर की वर्क प्लेस क्या है? सेनेट। इसी तरह स्कल्प्टर, कोई आर्ट का बच्चा बैठा है जो ये फाइन आर्ट कहते हैं, ये जो बनाते हैं चीजें, स्कल्प्टर जिस जगह पे अपने वो मुजस्मे बनाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड अ स्टूडियो और एन एटेलियर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, लास्ट वन, टीचर कहाँ होती है जी? स्कूल में। नेक्स्ट, टूल एंड एक्शन। किसी टूल का नाम दे देंगे और उसका एक्शन पूछ लेंगे, तो जी वो क्या होता है? एक ड्रिल मशीन होती है। ड्रिल क्या करती है? होल करती है या बोर करती है? हाँ, गन क्या करती है? शूट करती है। सीव जो है, छाननी, वो जो आटा छानते घर में, सीव क्या करती है? सिफ्टिंग, इट सिफ्ट्स। आटा छानने को सिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, इसके बाद आता है जी आपका नेक्स्ट वन इज द सेक्स और जेंडर, कि मेल है फीमेल है, वो नाम दे के आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, अब डो आपका फीमेल होती है ऑफ द स्टैग, स्टैग होता है बारह सिंगा। ठीक है, उसकी फीमेल को डो कहते हैं। शीप और या लैम, इसकी फीमेल को क्या कहते हैं? अच्छा, जो मुझे रियल में क्लासेस में ये बताते थे ना, इसका शीप और लैम का आंसर, अभी तो मुझे योर ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू विल बी लुकिंग एट इट और नॉट, बट इसका आंसर जिसको क्लास में आता होता था उसको मैं गिफ्ट करती थी कुछ ना कुछ, या वो चाय पे आते थे। नो, शीप इज नहीं है। इट्स दिस। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? इफ एनीबडी ऑफ यू नो हाउ टू प्रोनाउंस इट? ईव नहीं, ईयू वी नहीं, ईयू भी नहीं, ईवी नहीं, इट्स प्रोनाउंस्ड एज यू। गुड इजाज, इसकी प्रोनाउंसिएशन है यू, यू नहीं है, यू खाली, यू इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हॉर्स का मेयर हो गया, इसी तरह डॉग का, That's more of a abusive word, I wouldn't say it. इसी तरह और जितने भी एनिमल्स हैं उनका मेल एंड फीमेल पूछ लेते हैं। टाइगर का टाइग्रस हो गया, एग्जैक्टली। अच्छा, बग वाली टी नहीं थी, मेरे नूडल्स में बग था, टी में नहीं है, शुक्र है। चाय में से निकलता तो वो आ रहे सपना हसरत देखता उसके साथ में क्या करता। अच्छा, डक और गीज, डक और गूज जो है डिफरेंट है। गूज आर बिगर इन साइज देन अ डक, डक्स आर डिफरेंट। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इनका जेंडर डिफरेंट नहीं है, मेल और फीमेल वाला इश्यू नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है जी एज, एज का डिफरेंस भी आता है। बाप और माँ और बेबी का नाम फर्क होता है। जैसे लायन के बेबी को क्या कहते हैं? कब। इसी तरह डॉग के बेबी को क्या कहते हैं? पप या पपी। इसी तरह कैट के बेबी को कहते हैं किटन। हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं? हॉर्स, ग्रोन अप हॉर्स को वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जी स्टैलियन दे देंगे। स्टैलियन आप बड़े घोड़े को कहते हैं, जो मर्जी दे दें। इसके बेबी को क्या कहते हैं? नहीं, पोनी तो खच्चर है। पोनी इज अनदर ब्रीड ऑफ एनिमल्स, जो कि गधे और घोड़े को अगर मेट कराएं उनका बेबी इज कॉल्ड पोनी, और वो बड़ा अडल्ट भी पोनी ही होता है। म्यूल इज अ गधा। अब हॉर्स का बेबी गधा तो होने से रहा, म्यूल इज अ डोंकी। हॉर्स के बेबी को कहते हैं कोल्ट, इट्स अ कोल्ट। और एक और बात, जैसे वैसे ही फॉर अ क्लास, वो फॉर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द एग्जाम। आप लोगों में से जो लोग डोंकी और मंकी कहते हैं, या जो डंकी और मंकी कहते हैं, स्टॉप डूइंग दैट, इट्स डोंकी एंड मंकी। हाँ, फोल भी कहते हैं, डोंकी एंड मंकी।
ठीक है ना। अच्छा आगे आते हैं, बफलो के बेबी को क्या कहते हैं, बफलो और काऊ के बेबी को क्या कहते हैं? नहीं, कब लायन का होता है, इसके बेबी को काफ कहते हैं। हाँ, काफ इज द बेबी ऑफ काऊ और बफलो। नेक्स्ट इज योर टाइम सीक्वेंस। अच्छा जी, ये बड़ी मजेदार चीज है, टाइम सीक्वेंस का ब्रामर वनी ख्याल करना, डक एंड डकलिंग्स, टाइम सीक्वेंस का ख्याल करना है। वो क्या करेंगे कि आपको टाइम देंगे कोरोनेशन एंड रेन। कोरोनेशन एंड रेन का क्या मतलब है, पहले आपकी ताजपोशी होगी तो आपकी रेन शुरू होगी, एक एरा शुरू होगा। अब ये किंग इतने अरसे के लिए किंग है। अगर आपको याद हो कि वो एल्सा वाली मूवी जितनों ने देखी है, तो वो उसकी प्रॉपर कॉरोनेशन की सेरेमनी हो रही होती है, उसे क्राउन बना रहे होते हैं। दैट हैपेंस फर्स्ट एंड देन द रेन स्टार्ट, और ये कंपल्सरी है कॉरोनेशन। तो जी सीक्वेंस हमें पता चल गया, पहले ये होगा तो ये होगा। ठीक, इसी तरह आपको वो दे देंगे जी 5 PM एंड 9 PM, कुछ इस तरह की बात। अब आपको टाइम का पता होना चाहिए, PM इवनिंग है और AM जो है वो मॉर्निंग है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें आपने अकल लड़ानी है, मोर देन सेंटेंस एंड ऑल। कुछ बच्चे ना सेंटेंस बनाने को इतना सीरियस ले लेते हैं, यकीन करें कि आगे अकल बिल्कुल लगानी ही छोड़ देते हैं। अब मैं जो आपको जुमला देने वाली हूँ, इसमें थोड़ी अकल भी लगानी, नॉट ओनली सेंटेंस थिंग, ठीक है ना। मॉर्निंग एंड इवनिंग क्वेश्चन है। द आंसर्स आर, ऑप्शंस आर, नंबर वन डे एंड नाइट, सेकेंड ऑप्शन इज डस्क एंड डॉन। डॉन होता है फजर का टाइम, डस्क होता है मगरिब का टाइम। नेक्स्ट इज 5 PM एंड 5 AM, लास्ट ऑप्शन इज नाइट एंड मॉर्निंग। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? अपना आंसर एक्सप्लेन भी करते जाए, अपनी ऑप्शन के साथ बता भी दे मुझे, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए कि आपको आंसर कैसे पता चल गया। अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अच्छा जी, गुड अटेम्प्ट। मॉर्निंग, डस्क एंड डॉन। अच्छा आप सारे रुक जाएं जरा, मुझे ताहिर बताएंगे कि ये इनका डस्क एंड डॉन ऑप्शन कैसे इन्होंने करेक्ट किया, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन ऑप्शन चूज की है। बताएं जी, हाउ डस्क एंड डॉन? डस्क इज मगरिब का टाइम, डॉन इज फजर का टाइम। अच्छा मारिया, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू फारिस, टू वॉटरी बट। बता रहे हैं ताहिर आप जवाब या नहीं? शुड आई वेट और नॉट? आई थिंक नहीं बता रही। आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपके मतलब जहन में क्या आ रहा था कि यू थॉट दिस इज द राइट ऑप्शन। मॉर्निंग स्टार्ट विथ सनराइज एंड इवनिंग विथ सनसेट। अच्छा मैम, एक्चुअली मॉर्निंग स्टार्ट फ्रॉम डस्क, नहीं, मॉर्निंग स्टार्ट फ्रॉम डॉन। फजर का टाइम जो मॉर्निंग स्टार्ट होती है, दैट इज डॉन, द डॉन ऑफ द मॉर्निंग। देन देर इज अ डस्क, डस्क होता है मगरिब का टाइम, शाम के टाइम, मगरिब के टाइम को डस्क कहते हैं। ये तो एग्जैक्टली उल्टा है। अब एक बात सुनो ना, लाइक सारे मॉर्निंग सुबह रोशनी,
इधर रोशनी आ रही है, इधर रोशनी जा रही है, अंधेरा। सिर्फ अकल इतनी लड़ा लेते कि रोशनी से अंधेरे पे जाओ। सारी ऑप्शंस अंधेरे से रोशनी, अंधेरा शाम के 5 हो रहे हैं, अंधेरे की तरफ जा रहा है। 5 AM इधर रोशनी है, नाइट अंधेरा, मॉर्निंग इधर रोशनी। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जहां पे रोशनी है और सेकंड पार्ट पे नाइट है। वन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। टाइम सीक्वेंस, हाँ जी, यही पेपर में भी होता है। और अभी तो आप रिलैक्स बैठे हैं, फिर पेपर में ऊपर से स्ट्रेस भी मल्टीप्लाई कर ले। वो आपको मैं बताऊंगी अपने 2017 का के लोगों ने क्या खूबसूरती वो की थी, आप लोगों की ऐसी निकल जाएगी। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू विल गेट दैट ऑप्शन राइट, बट वो गलत की थी और बड़े क्या कहते हैं वो सूक्ष्म से गलत की थी। एक्चुअली माय मॉम वाज़न्ट होम, आई एम वेरी हंग्री। अच्छा, नेक्स्ट इज स्पेशल सीक्वेंस। स्पेस के अंदर कोई चीज की ओरिएंटेशन किस तरह, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल सीक्वेंस। अच्छा, रूफ एंड फ्लोर, रूफ टॉप पे हो गया, फ्लोर नीचे हो गया, ओरिएंटेशन इस तरह होगी। हाई एंड लो हो गया, ठीक है, हिल का टॉप हो गया एंड फुट हिल हो गई, फुट ऑफ द हिल हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा जी एनी अदर एग्जांपल्स। हाई, हाँ, जेनिथ एंड आई डोंट नो हाउ यू से इट, नादिर और नादिर, ये तो आई विल कॉल इट अ नेम। थैंक यू फॉर एडिंग इट टू माय नॉलेज, आई एम एडिंग इट इन माय एग्जांपल्स टू। ऐसी चीजें सीएसएस वाले अक्सर दे देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज योर सिंबल। इस पे भी स्टूडेंट्स के शुगल। डव इज द सिंबल ऑफ, डव इज द सिंबल ऑफ पीस, ठीक है। रिंग इज द सिंबल ऑफ, रिंग्स आर द सिंबल ऑफ लड़कियों का मैरिज और लड़कों का आउडी, इट्स बोथ वेज। यस, शाहरुख का भी चले मैरिंग हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ही मैं कहती हूँ रिंग्स, सब लड़कियों का रिप्लाई आता है एंगेजमेंट, सारे लड़कों का रिप्लाई आता है ओलंपिक्स और वो ऑडी। तो आइदर वे यू कैन टेक इट एज गेटिंग एंगेज्ड, गेटिंग मैरिड। रिंग्स इज अ साइन ऑफ योर कार्स, रिंग इज अ साइन ऑफ ओलंपिक्स, इसके साथ मर्जी आप कर लें, ये सब के साइन, ठीक है जी। नेक्स्ट आर द साउंड, कौन कौन सी आवाज निकालता है। दिस साउंड वेरी ईजी ना, कि कौन साउंड्स कौन देगा, जस्ट वेट फॉर द पेपर। डॉग की आवाज क्या है भाई, बार्क। लायन की आवाज क्या है, रोर। गोट की आवाज क्या है, ब्लीट। हॉर्स की आवाज क्या है, नेइंग। आपने ना प्लीज सारी एक लिस्ट बना लेनी है, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स, ठीक है। तीन चीजों की आपने लिस्ट बनानी है, एक होंगे आपके मेल्स एंड फीमेल्स, दूसरी लिस्ट आपकी होगी ऑफ द फादर्स मदर्स एंड बेबीज, ठीक है, एडल्ट्स एंड बेबीज के नेम। थर्ड आपकी लिस्ट होगी साउंड्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि इनमें से आपको कोई भी पेपर में वो दे देंगे। तो आपने एक दफा जब नजर से गुजारे होंगे ना, जब ऑप्शंस में आएगा तो यू विल नो व्हाट इज व्हाट, ठीक है, यू विल नो हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। अच्छा जी, सिंबल्स की नहीं, सिंबल्स की नहीं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। वो बहुत ऑब्वियस सा कोई सिंबल देंगे, डव देंगे या कोई रिंग देंगे, ठीक है, या वो पाकिस्तानी लालटेन देंगे, अम्ब्रेला देंगे, तो ये नहीं, इस तरह नहीं देंगे, कुछ बहुत ऑब्वियस आपको देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली डव ही देंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर आते हैं जी मूवमेंट। एनिमल्स की मूवमेंट्स क्या क्या है, हॉर्स की मूवमेंट को क्या कहते हैं, हॉर्स जो चलता है भागता है, कॉल्ड गैलपिंग। हाँ, उसके बाद अगला आपका आता है जी स्नेक। स्नेक जो ऐसे एस शेप में ऐसे ऐसे मूव करता है, उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट मूवमेंट कॉल्ड। नो, स्नेक की साउंड वॉज हिसिंग, hissing is a sound, वो जो आवाज निकालता है ना, that's called hiss। crawl, wriggle, slithering, ये तीनों इसकी चलने को कहते हैं। crawling से ज्यादा slithering and wriggling, ठीक है जी।
इसके बाद आपका आता है जी मैन, इंसान क्या करता है, स्ट्राइड, वॉक, हमारे चलने को वॉकिंग कहते हैं ना। इंसेक्ट्स क्या करते हैं जी, क्रॉल और क्रीप, हाँ क्रॉलिंग और क्रीपिंग ऑफ इंसेक्ट्स होती है। ये हो गया जी हमारा मटर गाश नहीं, हाँ फ्लटरिंग ऑफ अ बटरफ्लाई, एग्जैक्टली ये क्रॉल है, सॉरी देयर इज अ डब्ल्यू इन। अब मैं क्योंकि यहाँ पे एक काम करती हूँ, बल्कि आइडिया अच्छा है, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ वहां से गूगल, क्योंकि आपके सामने नहीं खुलेगा। CSS 2017 प्रेसी पेपर, जो बहुत ही मुश्किल पेपर हिस्ट्री का जो कंसिडर किया जा रहा है, आउट ऑफ टू आफ्टर 2006 2006 वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, वेरी 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 डिफिकल्ट पेपर। उसके बाद कहते हैं 2017 का पेपर वॉज द नेक्स्ट डिफिकल्ट पेपर दैट केम इन टू बींग, वो हम अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी हाउ डिफिकल्ट दैट इज। ओके ये तो इसके आगे आ ही नहीं रहा, तो चलें हम थर्ड पे जो है ना, मैं थर्ड के बाद एक्चुअली आपको ऑप्शंस बता दूं। फर्स्ट वन इज लायन एरर, जो 2017 के पूरे बैच इंक्लूडिंग द टॉपर ने रॉन्ग क्लिक किया था क्योंकि आई कैचर्स थे इसमें। अब आप अपना जुमला बनाए, लायन एंड रोर, द साउंड ऑफ अ लायन इज रोर, करें जी, सारी दुनिया ने ए सिलेक्ट किया था, हर बच्चे ने ए क्योंकि आई कैचर था। अगर आपने जुमला बनाया हुआ होगा अ लायन अ लायंस साउंड इज रोर, अ स्नेक्स साउंड इज स्लिदर, तो आप एकदम रुक जाएंगे, नहीं 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 ये तो मूवमेंट थी, ये तो स्नेक के चलने का तरीका है। गोट एंड ब्लीट वॉज द राइट ऑप्शन, हाउ ईजी, अब मुझे बताएं इसमें कितना कुछ मुश्किल था, बट स्ट्रेस की वजह से और सेंटेंस ना बनाने की वजह से दे गॉट इट रॉन्ग। नेक्स्ट जी शेडो एंड लाइट, बताएं जी विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा रिएक्शन, ये रिएक्शन है ना, लाइट आएगी तो शेडो पड़ेगा, इस कैटेगरी से है एक्शन रिएक्शन, लेकिन लेकिन ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है, राइट और नॉट। तो हमारे टाइम में एफपीएससी का एक सर्कुलर निकला था कि जो शेडो और लाइट वाला क्वेश्चन है, बी और सी जिन लोगों ने किया होगा बोथ विल बी कंसिडर्ड करेक्ट, ठीक है, सिंपल एज दैट, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस मीन द सेम, दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन, लाइट आ रही है तो शेडो बन रहा है, ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज बनेगी, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दे वर कंसिडर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्लॉट एंड ब्लड जी, क्लॉट क्या होता है, हाउ डिफिकल्ट इज द वर्ड क्लॉट, कर्डल एंड मिल्क, जमना, खून थोड़ी देर बाहर पड़ा रहेगा तो वो जम जाएगा, इंक पड़ी रहेगी तो वो वाटर बन जाएगी, नो, मिल्क पड़ा होगा तो वो कर्डल हो जाएगा, यस, कैम्फर पड़ा होगा तो वो वेपराइज होगा, वैसे तो सी भी ठीक है, कैम्फर जो है जो कि अक्सर वो बॉडीज के करीब, डेड बॉडीज के करीब रखते हैं फॉर गुड यू नो फ्रेग्रेंस, वो वेपराइज तो होता है, हाँ वाई नॉट सी, आप लोगों ने सी क्यों नहीं कहा, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी आई एम ईटिंग, देयर इज अ डिफरेंट फॉर्म, ये लिक्विड से जम रहा है, ये सॉलिड से वेपर हो रहा है, लिक्विड से जम सिर्फ दूध ही रहा है, मिल्क इज कर्डलिंग, एग्जैक्टली इसको सिंक कर रही है बी ऑप्शन। तो जी ये हो गई बात खत्म, मसला खत्म, अगले मैं लगाती हूँ जी तीन और,
हम लोग तीन तीन कर लेते हैं ना ताकि। अच्छा, और इसमें मजे की बात ये होने के साथ साथ ऑप्शन भी है कि आपने 7 में से 8 में से 5 करने हैं। मतलब यार मैं कहती हूँ लिटरली लिटरली तौर पे कि फिर भी ना बच्चा पास करे ना तो फिर क्या ही बंदा करे आपके साथ। चले इसको रिमूव कर देते हैं, ये विल डू इट विद द नेक्स्ट वन। फियरफुल एंड कावर, एक डरपोक आदमी डरता है। दीज आर वेरिएंट सिनोनिम्स, ठीक है। हालांकि कावर्ड होना कुछ और है, फियरफुल होना कुछ और है, लेकिन ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही उसमें लिए जाते हैं। हाँ, एरोगेंट एंड स्ट्रट, दीज आर द सिनोनिम्स। तो अब एक हम्बल बंदा शो ऑफ होगा, बोस्ट करेगा, कभी नहीं। एक वीक बंदा एक्सरसाइज करेगा, वैसे तो कर सकता है लेकिन मतलब प्रैक्टिकली नो। एक वाइज बंदा डिस्प्यूट्स करेगा, लड़ाइयाँ। ये सब ऑपोजिट्स हैं। ओनली वेरिएंट सिनोनिम इज एरोगेंट एंड स्ट्रट, ठीक है। एक्सपेडाइट एंड हैसन, ये भी अगेन दीज आर सिनोनिम्स। एक्सपेडाइट करते हैं जल्दी जल्दी करना किसी चीज को, मटीरियलाइज करना, और हैसन करना जल्दी कराना, ठीक है। अब कॉन्स्क्रिप्ट एंड राइट डाउन, कॉन्स्क्रिप्ट क्या होता है, एक एक मिलिट्री के एनरोलमेंट होती है सर्विस के अंदर, तो यूजली यू राइट इट डाउन। डाइव एंड मेक हार्डर, डाइवर का हार्डर के साथ क्या था। सिट टायर राइज एंड प्रेज, किसी के टायर, किसी को ताने मार के सार्केस्टिकली तारीफ करना। सी इज द राइट आंसर, टू फैसिलिटेट, टू मेक इजिएस्ट। अच्छा जी, ये बहुत मुश्किल CSS के पेपर के ये गुजर गए। आगे हम आते हैं जी, दो और करते हैं। ये अभी तक 2017 का ही पेपर चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे आती हैं ऑप्शंस। वुड एंड फर्नीचर, जी चारों ऑप्शंस में से विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यू श्योर? अच्छा, मेरा भी यही पे ही होता है कि वाई नॉट इट। वुड से फर्नीचर बनता है, फादर से चाइल्ड नहीं बनता कि बनता है। नॉन लिविंग, एग्जैक्टली, दीज आर लिविंग पीपल, दिस इज नॉन लिविंग। और ये काटे हुए हैं, और उस बेचारे को काट टूट के वो डिजाइनिंग करके, तो ये तो इस तरीके से नहीं बन रहे। रिलेशन फर्क, ठीक है। ट्री एंड सीडलिंग रॉन्ग, ये सीक्वेंस उल्टा है। सीडलिंग से ट्री बनता है, ट्री से सीडलिंग नहीं बनता। सॉयल एंड क्ले, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रखी थी जिसमें 34 नंबर भी लिए थे, तो आई कैन अश्योर यू विथ सर्टेनिटी कि ये दो बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। हाँ जी, इट इज नॉट, इसके अंदर डिफरेंट, इसके अंदर मिनरल्स फर्क हैं, इसके पार्टिकल्स की स्पेसिंग फर्क है, इसके अंदर, ओ माय गॉड, आई स्टिल, मुझे गुस्सा चढ़ गया, 34 नंबर याद आ गए। ये दो बहुत ही जमीन और आसमान की डिफरेंट चीजें हैं। देर नॉट, हाँ, देर कॉम्पोजिशन इज वेरी डिफरेंट, तो ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। लास्ट चीज रह गई, स्टोन से स्कल्पचर बनता है, यस। इसकी डिजाइनिंग, वुड से डिजाइन करके फर्नीचर बनाते हैं, स्टोन को डिजाइन करके स्कल्पचर बनाते हैं, यस। दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सर्जन एंड डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है जी, आर्टफुल, एक बेहतरीन तरीके से किसी काम को करना। भी है ये बहुत मुश्किल ऑप्शन आई है जी, बताएं। अच्छा, सर्जन और डेक्स्ट्रस का रिलेशन क्या है। सर्जन के काम करने का तरीका डेक्स्ट्रस है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को एक्ट्रेस और ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ब्यूटीफुल होना उसके काम के साथ रिलेटेड नहीं है। काम एक्ट्रेस का गुड एक्टिंग है। दिस इज एन आई कैचर। ब्यूटीफुल तो वो शक्ल से बाय चांस है ना, वैसे ही है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, ऑफ अ सर्जन, कि वो आर्टफुल होना चाहिए, वो डेक्स्ट्रस एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे तरीका आना चाहिए।
तो एक्ट्रेस को ब्यूटीफुल होने का तरीका तो नहीं हो सकता ना, एक्रोबैट की एजिलिटी, ये मैं आपको बताती हूँ, 2007 और 8 की, मुझे इसलिए इसका ये ऑप्शन पता थी, आप लोगों को शायद हो सकता है कि ना पता हो, तो दैट्स टोटली ओके। जिमनास्टिक्स के हमारे चैंपियनशिप, ऑल पाकिस्तान चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा था, वो एंड में मार्क्स अनाउंस करते हैं और 0.2 से आई हैड वन, आई गॉट एन ऑल पाकिस्तान बेस्ट जिमनास्ट चैंपियन टाइटल इन 2007 एंड 8। उस टाइम पे मुझे पहली दफा पता चला वो मार्क्स अनाउंस करते हुए, दे गेव मार्क्स फॉर एजिलिटी, कि आप जब कार्ट व्हील करते हैं, आपने एक फ्लिप किया हवा के अंदर, आप वापस जमीन पे आए, और अगर आपके पाओं की आवाज आती थी डब, आपके नंबर कट जाते। तो एन एक्रोबैट और योर और जिमनास्ट हैज टू बी वेरी एजाइल, और इतना ग्रेसफुली उसने लैंड करना होता था कि आवाज भी नहीं आनी चाहिए। और आप देखें ना लगा के जरा इंटरनेशनल, तो वो कैसे फ्लिप्स के बाद इतने हवा की तरह जैसे फेदर जमीन पे आते, दिल स्टैंड, ऑफ कोर्स वो लेवल तो नहीं था। आई कॉन्ट डांस, आई कैन नॉट, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डांस, बट वो मेरे डांस का मजाक है कि दैट्स अ मिलिट्री डांस, वो कहते हैं ये वाला मत ही करो, तो वो मैं इतना अकड़ के वो करती हूँ, और दुनिया की कोई क्या कहते हैं ताकत मुझे डांस नहीं करा सकी, हालांकि दोस्तों ने बहुत ट्राई किया, बट आई कुडंट। अच्छा जी, तो डांसिंग इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डू एट ऑल, फिर भी वर्कआउट है। द लास्ट वन इज लेचर एंड लस्ट। लेचर कहते हैं जी गंदा आदमी, वुमनाइजर, और लस्ट भी होती है, एक नेगेटिव सी लस्ट होती है। अब लस्ट ऑफ विमेन भी हो सकती है, लस्ट ऑफ मनी, पैसे की, किसी भी चीज की लस्ट हो सकती है। दीज आर अगेन वेरिएंट सिनोनिम्स जी, बाकी सारी चीजें आपस में है ही नहीं मैच। बी इज द राइट ऑप्शन, ग्लटन एंड ग्रीड। ठीक है जी, ये थी 2017 की, जिसमें सवाल था कि 8 में से आपने 5 करनी है, आपको कुछ नहीं भी आ रही ना तो दैट्स ओके, 3 आप इनमें से मिस भी करा सकते, इन आसान 3 में से भी 3 की ऑप्शन थी, तो एजिलिटी वाला छोड़ दो, फलाने जो नहीं आ रहा उसका छोड़ भी दो, समझ आ गई। तो ये है लेवल CSS के एनालॉजीज का, और यही होगा अगर आपको भी आए, ये इसलिए करानी जरूरी है क्योंकि पिछले कई सालों से नहीं आई, अब एक्सपेक्टेड है किसी भी साल दे देगी। ये गेम की तरह करनी है, इसका ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, प्रैक्टिस करें, हाफिज की बुक में एक्सरसाइजेस दी हैं, इंटरनेट पे सर्च करें, एनालॉजी एक्सरसाइजेस आ जाएंगी, और CSS की एनालॉजीज का भी मैं आपके आगे, हमने CSS का पेपर सॉल्व किया, लेकिन क्यों बच्चे गलत कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लेक्चर नहीं लिया होता, उन्हें तरीका नहीं पता होता, उन्हें ये क्लासेस नहीं पता होती कि किस में डिवाइड करना है, रिलेशन क्या क्या आएगा। नाउ दैट यू बीन थ्रू दिस लेक्चर, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू एस इट। दैट्स ऑल फॉर एनालॉजीज। जी बेटा जी, पूछे अब्दुल्ला। अगर आपको ऑप्शंस में क्रॉल आया होगा तो क्रॉल वो अब उसने आपको उस हिसाब से दिया होगा ना, अगर बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, उसने ऊपर लिखा हुआ है लायन, अच्छा क्वेश्चन है हॉर्स और गैलप, नीचे लिखा हुआ है स्पैरो चर्पिंग, स्नेक का हिसिंग, गोट एंड ब्लीट, और एक ऑप्शन लिखी हुई है स्नेक एंड क्रॉल, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी स्नेक एंड क्रॉल विदाउट शैडो डाउट, बाकी सारी आवाजें हैं, एक ही चलने का तरीका है, उसने कौन सा भी वर्ड यूज करके स्नेक का चलना बताया हुआ है, तो टिक दैट, अगर इससे कोई बेहतर ना हो ऑप्शन। सही हो गया, तो जी दैट्स ऑल, लेट्स कॉल इट अ डे, इंशाल्लाह अल्लाह के हवाले अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट, ठीक है जी, और उसके बाद हमारी होगी पंक्चुएशन, बल्कि नेक्स्ट टाइम हम पंक्चुएशन करेंगे, फिर हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर हम करेंगे करेक्शंस, और फिर ट्रांसलेशन। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह के हवाले।